हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस रिवीजन लेक्चर में। सीए सार्थक जैन, फैकल्टी फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट। दिस लेक्चर विच आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू एंड वील बी शेयरिंग थ्रू यूट्यूब विद एवरीबडी अक्रॉस इंडिया इज बेसिकली अ लेक्चर ऑन कंपेरिजन ऑफ इंडेस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडेस दोस्तों एक अपने आप में बहुत बड़ा, इट्स अ बिग 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 मैटर बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ मे 2018 अटेम्प्ट, वेदर इट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओल्ड कोर्स और इट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स स्टूडेंट। इनफैक्ट ओल्ड कोर्स नए कोर्स दोनों के स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, इंडेस की प्रिपरेशन, उसकी कवरेज, ब्ला 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 ब्ला। लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस पर्टिकुलर बैच अबाउट। This is going to be a super quick revision batch. We are basically in this particular batch lecture session, whatever you call it, we will be covering differences between IndAS and accounting standard. And this particular lecture is relevant for CA final old course as well as new course student. Give me 5 minutes to explain very quickly in terms of how is it relevant to both of us and what we are going to cover in these particular lectures. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी राइड, एफ आर फास्टर रिविजन बैच, कंपेरिजन ऑफ इंडेस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स के स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट किस तरह से। दोस्तों आपको पता होगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ओल्ड कोर्स में सीए इंस्टीट्यूट ने, जिसकी साइट मैंने यहां पर खोल रखी है, ओल्ड कोर्स में इंस्टीट्यूट ने आपके कोर्स में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस इंडेस का एक ओवरव्यू विथ कंपैरिजन ऑफ एएस विथ इंडेस एंड इंडेस विथ आईएफआरएस रिजल्टिंग इनटू कार्विन एंड कार्वआउट्स रखा है। हम एक सेपरेट लेक्चर यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने ओल्ड कोर्स में इंडेस में क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कंपैरेटिव क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं एग्जाम में या नहीं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। इफ यू आर रियली रेफरिंग टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ कवरेज ऑफ इंडेस, यू शुड एक्चुअली गो एंड सी दैट पर्टिकुलर लेक्चर। एंड ऑब्वियसली देयर वाज अ ह्यूज कंफ्यूजन बिटवीन द स्टूडेंट व्हिच वाज वेरी अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट कि हमने देखा कि जिस दिन हमने वो लेक्चर अपलोड किया था ऑन दैट वेरी सेम डे देयर वर 12,000 रियल जेन्युइन यूट्यूब यूजर्स हु व्यूड दैट पर्टिकुलर लेक्चर। तो कंपैरिजन या पूरा इंडेस या सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कोर्स में, उसके लिए आप वो चेक करें। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं इस रिवीजन बैच में वो समझें और उसे क्यों कवर कर रहे हैं वो समझें। दोस्तों सीए फाइनल ओल्ड कोर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंस्टीट्यूट ने आपके कोर्स में इंडेस का एक ओवरव्यू प्लस इंडेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंपेरिजन प्लस इंडेस और आईएफआरएस का कंपेरिजन रखा है। इसके लिए इंस्टीट्यूट का ये मैंने ओल्ड सिलेबस का सिलेबस खोल रखा है, ओल्ड कोर्स का सिलेबस का पेपर वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ओपन करता हूं। इसमें स्टडी मटेरियल में जाता हूं, जनवरी 2017 एडिशन में इफ आई गो टू द मॉड्यूल टू चैप्टर टू, ये चैप्टर टू ओपन करने पर अगर आप देखेंगे दिस इज व्हाट यू विल फाइंड। इफ यू सी दिस पर्टिकुलर चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडेस टू ऑफ 253 पेजेस। इसमें शुरू में आपको पूरे इंडेस की थ्योरी दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं इंडेस वन तो इंडेस वन में क्या क्या है ये सब आपको समराइज फॉर्म में दिया गया। हमें ये कवर नहीं करना है इस पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर में, हम कवर करेंगे जो इसके अंत में दिया गया। आखिरी में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड देयर आर टू थिंग्स व्हिच द इंस्टीट्यूट हैज कवर्ड हियर। नाउ व्हाट आर दीज टू थिंग्स व्हिच यू हैव कवर्ड हियर, मेजर चेंजेस बिटवीन इंडेस वन एंड आईएस वन, जिसे आप बोलते हो कंपैरिजन ऑफ इंडेस विद आईएफआरएस, जिससे कार्विन और कार्वआउट्स बनते हैं। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो इंस्टीट्यूट ने इसके बाद कवर किया है कंपैरिजन बिटवीन इंडेस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेजर चेंजेस इन इंडेस वन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। दिस इज समथिंग विच द इंस्टीट्यूट हैज कवर्ड, जिसमें आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप पढ़ रहे हैं पूरे ओल्ड कोर्स में उसको इंडेस से कंपेयर किया गया। हम इस रिवीजन पर्टिकुलर सेशन में ये चीजें कवर करने वाले हैं इंडेस वन और एएस वन। क्या एग्जाम में ये पूछी गई है?
अगर हम बात करें नवंबर 2017 जो अभी रीसेंट एग्जाम हुई थी, नवंबर 2017 में इसके ऊपर दो क्वेश्चंस पूछे गए थे इंडेस ईएस के ऊपर कंपैरेटिव फॉर्म में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडेस विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम एंड कंटिंजेंसीज, नवंबर 2017 में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस 1 एंड इंडेस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस आईएफआरएस। यानी एक क्वेश्चन आपका पूछा ईएस इंडेस का कंपैरिजन, एक आपका क्वेश्चन हुआ इंडेस और आईएफआरएस का कंपैरिजन। इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, ईएस और इंडेस का कंपैरिजन बस। ये हुआ रेलेवेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओल्ड कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं अपन न्यू कोर्स पर। अगर मैं इंस्टीट्यूट की साइट पर दोबारा जाऊं और न्यू कोर्स की इंस्टीट्यूट की साइट को अगर मैं ओपन करता हूं, तो आई वुड फाइंड दैट इन द न्यू स्कीम फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टडी मटीरियल, इफ आई डाउनलोड एनी और इफ आई इनफैक्ट सी एनी ऑफ द इंडेस, से इंडेस 1 देखता हूं मैं। इंडेस 1 अगर आप देखेंगे, ये आपका मॉड्यूल है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेस। इनफैक्ट हमारी क्लास में हम सबसे पहले दिन जो शुरुआत करते हैं वो पढ़ते हैं रोड मैप, और उसके बाद शुरुआत करते हैं इंडेस 1 और शेड्यूल 3 डिविजन 2 से। कई लोग इसे बेसिक अनइम्पॉर्टेंट एलिमेंट्री इंडेस कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप देखिए इंस्टीट्यूट ने 61 पेजेस का ये इंडेस दिया है आपको। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इंडेस जो पूरा आपका बेस बनाएगा कि कैसे इंडेस में अकाउंटिंग होती है, जिसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। दैट इज वन अप्रोच विच वी फॉलो जनरली। इंडेस 1 को अगर आप देखें तो इंडेस 1 का ये जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटीरियल है, इसे अगर मैं स्क्रोल करके एकदम एंड पर जाता हूं तो यहां पर भी मुझे एक कंपैरेटिव मिलता है। इंस्टीट्यूट ने इंडेस के मटेरियल में इंडेस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया है, और ऐसा हर इंडेस में किया गया है। नाउ दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखिए सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन इंडेस 1 एंड एएस 1। यानी न्यू कोर्स में भी इंडेस और एएस के डिफरेंसेस कवर्ड है। That means हम जो रिविजन करने वाले हैं वो न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। सर न्यू कोर्स में क्या इंडेस और आईएफआरएस का भी डिफरेंस कवर्ड है? इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट बिफोर वी स्टार्ट विद आर रिविजन्स, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट। दोस्तों अगर अपन देखें हमारे कोर्स में इंडेस, इंडेस का कंपैरिजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ और इंडेस का कंपैरिजन आईएफआरएस के साथ। लिखने के लिए मैं एक चीज और लिख देता हूं, इंडेस का कंपैरिजन यूएस गैप्स के साथ। दीज आर सेट ऑफ थिंग्स विच वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट ऑफ दीज आर रेलेवेंट फॉर अस। And when we understand the relevance, let us try to understand the relevance from the viewpoint of old and the new syllabus. Old syllabus की अगर मैं बात करूं तो इंडेस का हमारे कोर्स में ओवरव्यू है with simple practical problems. New कोर्स में हमारे कोर्स में इंडेस डिटेल्ड में है। इनफैक्ट पूरा कोर्स ही इंडेस का है। इंडेस और ईएस का कंपैरिजन ओल्ड कोर्स में कवर्ड है, न्यू कोर्स में भी कवर्ड है। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको जान के ताज्जुब होगा। आप देखें अगर यहाँ पे इफ यू सी, ये देखें मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल रखा है जिसमें कंपैरिजन दिए गए किसके, इंडेस और ईएस के। टोटल देखना इंडेस और ईएस 1 में कितने पॉइंट्स हैं, टोटल देर आर 11 पॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट, दिस इज द 11th पॉइंट। एनीवेज अब आते हैं अपन इंस्टीट्यूट के ओल्ड कोर्स के मटेरियल पे, जो इंस्टीट्यूट का ओल्ड कोर्स का चैप्टर 2 है एफआर का, उसमें भी आखिरी में कंपैरिजन दिया इंडेस और ईएस का। आप देखें यहाँ पे कंपैरेटिव का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, वहाँ टेबल है, यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया। और अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे तो आपको वही के वही 11 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। अब शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हम इसको रिविजन में क्यों कवर कर रहे हैं। दोस्तों एएस और इंडेस का जो कंपैरिजन का मटेरियल है वो ओल्ड कोर्स में जो था
न्यू कोर्स में भी वही है, ओल्ड कोर्स के उसी मटेरियल को न्यू कोर्स में थोड़ा सा फॉर्मेट करके डाल दिया गया है, बट द मटेरियल इज द सेम. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन द प्रेजेंट रिवीजन लेक्चर. इसको रिवीजन के लिए क्यों चूज किया सर आपने? द रीजन फॉर दिस इज ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़े हैं, इंडियास में अपना कईयों का, कुछ स्टूडेंट्स का हाथ थोड़ा तंग है. अपने स्टूडेंट की बात नहीं, जनरल अभी अपन तो क्या है, सबकी बात कर रहे हैं. एनीवेज किसी का भी हो सकता है, रिवीजन की जरूरत तो सबको पड़ती है, अपना स्टूडेंट हो या किसी और का स्टूडेंट हो. तो सबसे पहली बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओल्ड कोर्स वालों के डिटेल में पढ़े हुए हैं, इंडेस का आधा अधूरा नॉलेज, जिन्होंने बहुत पहले पढ़े थे शायद इंडेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है. मैंने सोचा मैं एस इंडेस का कंपैरिजन लूंगा तो इसके रेफरेंस में इंडेस को समझ के एक इंडेस का ब्रॉड आइडिया भी लग जाएगा. इट कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेस. न्यू कोर्स के लिए सर ये क्यों रेलिवेंट होगा? न्यू कोर्स का इसका रेलिवेंस दोस्तों दो तरह से. सबसे पहली बात, न्यू कोर्स में आपके कोर्स में कवर्ड है इंडेस और एएस के कंपैरिजन, क्योंकि वो मॉड्यूल में आपको हर चैप्टर के आखिरी में दिए गए. इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबिलिटी में भी कहा है कि आपके कोर्स में एएस और इंडेस का कंपैरिजन न्यू कोर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर वन में कवर होगा. इसके अलावा न्यू कोर्स में एक चैप्टर है, कभी आप देखेंगे आपके मॉड्यूल में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसमें उन्होंने क्या किया है, कई सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्टीट्यूट ने एनालाइज किया और एनालाइज करके कहा कि यार हमने यही गलतियां आमतौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखी है जो एस पर इंडेस बनाए गए और जो एस पर ईएस बनाए गए. और वहां पे उन्होंने जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो क्वेश्चन आंसर सिर्फ इंडेस के नहीं है, कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस भी सवाल पूछ के उन्होंने उसके जवाब दे रखे. अच्छा, ये वो 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है जो न्यू कोर्स में आपके सिलेबस में डाले गए, 21, 23, 15, 25 और 28. दीज आर नॉट दैट, दीज आर अदर देन दोज, जैसे AS2, AS9 से रिलेटेड भी क्वेश्चन है वहां पर. अब ऑब्वियसली बात है, हम सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ नहीं सकते न्यू सिलेबस में, इट विल बी अदरवाइज टू वास्ट. इनफैक्ट अगर आप देखें तो हमने जो रिसेंटली हमारी बैच कंप्लीट करी, वी स्टार्टेड इन नवंबर, वी वर शेड्यूल टू कंप्लीट ऑन 20th Feb, बट वी हैड टू टेक सम 10 ऑड एडिशनल लेक्चर्स बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कवरेज. तो उस पर्टिकुलर बैच में व्हाट वी डिड इज 110 लेक्चर्स हमको रफली लगे उसमें. इनफैक्ट 108 लेक्चर्स पर आखिरी के कुछ 2-3 लेक्चर्स थोड़े से हमारे लंबे थे, तो 110 लेक्चर की अभी जो हमने रिसेंटली बैच कंप्लीट करी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू सिलेबस के, 110 लेक्चर हमें लग गए सारे के सारे हमारे कोर्स में जितने इंडेस हैं वो पढ़ने के लिए, प्लस जो कोर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो पढ़ने के लिए. ऑब्वियसली हम सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो इतने ड्यूरेशन में कवर नहीं कर सकते, पर इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए इसके ऊपर. अब इसका मतलब क्या मैं सारे एएस पढूं? नहीं, इसका मतलब आपको इंडेस और एएस के कंपैरिजन पढ़ लेना चाहिए. सर एएस तो हमारे पढ़े हुए हैं आईपीसीसी में, बेटा आईपीसीसी में तो तुमने बहुत कुछ पढ़ा था, वो याद थोड़ी ना रहता है. इसलिए कंपैरिजन अच्छा है क्योंकि अपना बैकग्राउंड एएस का बना हुआ होगा, ये कंपैरिजन पढ़ के अपने को समझ में आ जाएगा इंडेस एएस में क्या डिफरेंस है. इनफैक्ट आई कैन गारंटी यू कि ये लेक्चर्स देखने के बाद आपकी इंडेस की अंडरस्टैंडिंग भी और स्ट्रांग हो जाएगी, कहीं इधर उधर छोटे मोटे पॉइंट या अंडरस्टैंडिंग गैप्स होंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे. तो दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल इन सेंस ऑफ ओल्ड कोर्स स्टूडेंट एज वेल एज न्यू कोर्स स्टूडेंट, बिकॉज वी विल कवर अप द इंडेस एंड वी विल ऑल्सो कंपेयर इट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट्स विल इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग. तो ओल्ड कोर्स में इसका क्या रेलेवेंस है? हाँ, नवंबर 17 में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके कोर्स में है. न्यू कोर्स में क्या इसका रेलेवेंस है? हाँ, क्यों? क्योंकि हर चैप्टर के पीछे ही आपके कोर्स में दिया गया है, मटेरियल में दिया गया है और आपके कोर्स में शामिल है, प्लस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में भी ये काम में आएगा. पेपर अब हमारा होगा तो मालूम पड़ेगा एग्जाम में आता है या नहीं आता है. नाउ लेट अस कम टू कंपैरिजन ऑफ इंडेस एंड IFRS. क्या ये हमारे कोर्स में? ओल्ड कोर्स में इंडेस और IFRS का कंपैरिजन हमारे कोर्स में है, जिसे हम कार्विन और कार्व आउट के रूप में बाइफरगेट करके पढ़ते सीखते समझते हैं. इसके सेपरेट रिवीजन लेक्चर्स होंगे, दिस विल नॉट बी कवर्ड इन दिस रिवीजन लेक्चर विच यू आर वॉचिंग राइट नाउ. न्यू कोर्स में क्या इंडेस और IFRS का कंपैरिजन कवर किया गया है? मैं बोलूंगा पेपर वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में ये कवर्ड नहीं है, लेकिन एक इलेक्टिव पेपर है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इलेक्टिव पेपर में इसे शामिल किया गया. इनफैक्ट आपके स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने इंडेस और IFRS का कंपैरिजन पहले शामिल किया था, बट बाद में इंस्टीट्यूट ने फिर एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हम इसको पेपर वन से हटा रहे हैं और यूँ समझ लीजिए हमेशा के लिए, और इसको अब उठा के हम डाल रहे हैं इलेक्टिव पेपर में, यानी ये GFRS में कवर होगा. इंडेस और US गैप का कंपेरिजन यहाँ पर कवर नहीं है, यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कवर नहीं है,
GFRS में ये जरूर कवर किया जाएगा. इसके बारे में आई विल लाइक टू स्पेंड अ मिनट ऑन दिस. दोस्तों, क्यों इंस्टीट्यूट ने इंडेस और IFRS का कंपैरिजन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर से हटा के ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में डाला, इसको समझना. दोस्तों, इंस्टीट्यूट जिस तरह का, इंस्टीट्यूट की परेशानी है अपनी भी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हैं, इंडेस भी हैं, दोनों पढ़ाना है. ये एकदम ऐसा हो गया कि हम एक तरफ GST भी है और दूसरी तरफ अगर एक्साइज, कस्टम्स, सर्विस टैक्स ये सब भी होता तो आप समझिए एक्साइज, सर्विस टैक्स, GST दोनों साथ साथ में पढ़ना है. कहीं कुछ स्टेट में ये लग रहा है, कुछ जगह ये लग रहा है, इट वुड ऑल हैव बिकम अ लॉट ऑफ खिचड़ी. खिचड़ी बोल लो या ब्लेंडिंग बोल लो, जो आपको ठीक लगे. तो ये स्टूडेंट के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, सबके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता क्या पढ़ना है. तो ये ओल्ड कोर्स में बड़ी खिचड़ी हुई कि एस भी पढ़ना है, इंडेस भी पढ़ना है. न्यू कोर्स में इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा के इंटर में डाल दिए, 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के, और फाइनल में सारे इंडेस डाल दिए. उन्होंने बोला यार बच्चा इंडेस पढ़कर, सॉरी एस पढ़ के आया इंटर में, तो कंपेरिजन तो हम डाल ही सकते. आई सल्यूट ऑन दैट अप्रोच और थॉट ऑल्सो. बट इंस्टीट्यूट ने जब बोला कि यार यहां पर अब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेरिजन देंगे, there were discussions which happened, even there was a meeting which was presented, in fact held at Indore, when the president also was from Indore, where we were discussing about these things, and there were these set of suggestions which had come up ki this would create unnecessary khichdi. बिकॉज आप स्टूडेंट को इंडेस पढ़ा रहे हो, एएस से कंपेयर कर रहे हो, यहां तक सही है, फिर आप उसको IFRS US गैप से कंपेयर करवा रहे हो. फाइनली इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा कदम उठाया और बोला कि यार ग्लोबल स्टैंडर्ड अलग रखते हैं, इंडेस अलग रखते हैं. ऐसे भी ग्लोबल स्टैंडर्ड का यूज लिमिटेड फॉर्म में ही आने वाला है. ऐसे भी हमारे इंडेस काफी कुछ IFRS जैसे हो गए, और US गैप का तो दूर दूर तक यूज नहीं आता. मुझे नहीं मालूम किसने ऑफिस में US गैप लगाने की जरूरत महसूस करी होगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में भी आपको पता होगा दोस्तों, परमिशन दे दी गई है 2006 से कि अगर कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी, जिसे FPI बोलते हैं, फॉरेन प्राइवेट इश्यूअर, US में आके लिस्टिंग कराता है, तो उसे US गैप के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना, वो IFRS के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के अगर दे दे तो भी हमें एक्सेप्टेबल है. यानी दोस्तों, आज की तारीख में US गैप सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी को फॉलो करना मैंडेटरी है, जो अमेरिका की, US की कंपनी है, वही इनकॉर्पोरेट हुई है, वही रजिस्टर हुई है, दे आर लोकली कंपनीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. यानी आज इंफोसिस US में लिस्टिंग कराता है तो उसको US गैप फॉलो नहीं करना है, वो एज पर IFRS अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर देगा, तो वो एक्सेप्टेबल है US गवर्नमेंट को. तो US गैप का तो बहुत ही रेयर रेलेवेंस है. प्लस अगर मैं AS, IndAS, IFRS और US गैप इन चारों के कंपैरिजन एक साथ न्यू सिलेबस में पढ़ूंगा, तो आप सोचिए स्टूडेंट तो ही विल फॉरगेट एवरीथिंग इन द एग्जाम्स. आई मीन भूल ना भी जाए तो इट इज अननेसेसरी हेडेक ऑन द हेड. दैट इज वाई वी हैव मेड अ वेरी क्लियर पॉइंट कि हमारे न्यू सिलेबस की बैच में हमने सिर्फ और सिर्फ AS और IFRS कवर, सॉरी AS और IndAS कवर किया. दोस्तों, आई वुड सजेस्ट इट वुड बी अ सुसाइडल अप्रोच कि आप साथ में चारों चीजें पढ़ें. जो लोग इलेक्टिव ले रहे हैं वो अलग से उसको पढ़ें, इस बैच में जरा भी मिक्स ना करें, इट वुड बिकम वेरी वेरी डेंजरस. आप लोग देख चुके हो इस तरह के एक्सपेरिमेंट न्यू कोर्स में कई सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर हुए हैं. दे हैव ऑल बेसिकली क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स. So my strong advice for CA Final Financial Reporting New Syllabus students, that you should only concentrate on what is there in your syllabus. IFRS, US GAAP ke comparison wo log padhein jo GFRS le rahe. GFRS ki hamari jo batch hum record karenge, usme hum 20 se 25 lectures honge tentatively. Pehle hum usme sare IndAS ka overview lenge, fir usko IFRS aur US GAAP se compare karayenge, aur kam se kam 10 case studies hum log class mein solve karenge. 100 mark ka paper hai, koi mazak nahi hai ki main FR ke sath sath use khatam kar dun. चलिए, तो लेट अस कम टू दिस. आई होप दिस इज वेरी क्लियर विथ व्हाट वी हैव इन आवर कोर्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द रिवीजन लेक्चर्स. लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन सेशन नाउ. रिवीजन सेशन में दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ इंडेस. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर हम रिविजन सेशन से? वेरी गुड. लेट मी टेल यू वन थिंग. पहली चीज दोस्त, इन रिवीजन लेक्चर्स को अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके अपने पास रख लें. जब आपके पास समय अवेलेबल हो तब आप इन लेक्चर्स को सुन लें.
दूसरी बात, स्पीड अगर आपको और कम या ज्यादा करने की जरूरत है तो उन YouTube में यू हैव दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, यू कैन इंक्रीज द स्पीड एंड यू कैन सेव द टाइम. क्या इसमें सारे के सारे इंडेस पूरी तरह से कवर हो जाएंगे? दोस्त जरा भी नहीं हो पाएंगे. आई हैव टेकन ऑलमोस्ट 40 लेक्चर्स टू कवर ऑल द इंडेस अदर देन योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन एंड शेयर बेस्ड पेमेंट्स इन द न्यू बैच. बहुत डिटेल कवरेज होती है इसकी. हमारा उद्देश्य एक ओवरव्यू होगा, एक अंडरस्टैंडिंग लेना होगा. एक्सपेक्ट आप ये कर सकते हो कि इससे आपको एक इंडेस में ब्रॉडली क्या दिया गया ये समझ में आ जाएगा. प्लस इंस्टीट्यूट का ये जो मटेरियल है ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स का, जिसमें आखिरी में कंपैरिजन बिटवीन इंडेस और एएस दिए गए, इस मटेरियल के 100% पॉइंट्स कवर करेंगे हम इस रिविजन सेशन में. यानी एक एक पॉइंट कवर होगा और एक एक पॉइंट के अंदर दिया गया एक एक शब्द फुल स्टॉप वर्ड कॉमा वुड बी कवर्ड इन दिस रिविजन सेशन. दिस वुड बी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड. एग्जाम में मैंने ये देखा है कि जब जब इंस्टीट्यूट ने इस इंडेस के ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर एग्जैक्टली इस मटेरियल में जो दिया गया वो उठा के उन्होंने सजेस्टेड आंसर में पेस्ट किया. दैट इज वाई वी आर नॉट रेफरिंग एनी सेपरेट मटेरियल फॉर दिस. इंस्टीट्यूट का जो हमारा मटेरियल है उसी को बेस बना के हम करेंगे, ताकि हमारी एग्जाम ओरिएंटेशन के अनुसार, मार्क्स सिक्योर करने के अनुसार, दिस इज समथिंग विच इज सफिशियंट. चलिए तो सबसे पहले अपन बैकग्राउंड से शुरू करते हैं. दोस्तों बीच बीच में मैं बैकग्राउंड और इस तरह की चीजों को समझाने के लिए क्या करने वाला हूं, ये इस तरह के अगर आप जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं क्लास में, ये मेरे क्लास के नोट्स हैं. तो जो हमने लास्ट बैच हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू सिलेबस की कंप्लीट करी, क्लास में ये डिजिटल पैड में आई बेसिकली मेक दीज पर्टिकुलर नोट्स. ये स्टूडेंट्स को LMS के माध्यम से सेम डे पर अवेलेबल कराए जाते हैं. स्टूडेंट्स इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं. All our pen drive students, virtual center students already have these particular things with them. ये मेरा लेक्चर 2 का पर्टिकुलर बोर्ड नोट है जो मैंने ओपन किया है. बीच बीच में जस्ट बिकॉज वी आर इन रिविजन आई विल नॉट बी राइटिंग टू मच. आई विल यूज दीज पर्टिकुलर थिंग्स फॉर रेफरेंसेस और इसी को बेस बना के मैं चीजों को क्विकली कवर करा दूंगा. जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, जिन्होंने मुझसे बैचेस नहीं किए, वो इसको यहाँ पर देख सकते हैं. इसका कोई बहुत ज़्यादा हमारे लिए रेफरेंस होगा नहीं. आप यहाँ से इसको देख के समझ सकते हैं क्या चीज़ है. आपके सामने मटेरियल जो होना चाहिए वो ICI का जो मटेरियल मैंने आपको अभी बताया है वो आपके सामने होना चाहिए जब आप इस रिविजन लेक्चर को देख रहे हैं. पॉइंट बाय पॉइंट आप चीज़ों को जैसे मैं कवर कराऊंगा करते जाएं. सामने कुछ मार्किंग नोटिंग करना है तो वो करते जाएं. सबसे पहले मुझे शुरू करना है इंडेस के बैकग्राउंड से. क्यों? क्योंकि अगर कहीं किसी की फाउंडेशन ही इंडेस की प्रॉपर नहीं है तो वो एक बार कवर हो जाए. इसके लिए व्हाट आई डू नॉर्मली इन द क्लासेस, सबसे पहले इंडेस को समझाने के लिए आप ये समझ लो कि इंडेस किन लॉजिक्स पर बेस्ड है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेस. यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, एक बार अपना बेस फाउंडेशन अच्छा बन जाए उसके बाद देन वी विल इंक्रीज द स्पीड एंड वी विल कवर थिंग्स वेरी क्विकली. सबसे पहली चीज इंडेस जिसके लिए जाने जाते हैं, दे आर बेसिकली दैट दे फोकस ऑन द सब्सटेंस ओवर द फॉर्म. आपको जान के ताज्जुब होगा दोस्तों, इंडेस कहता है कि अगर कोई इंडेस के किसी नियम से आपको ऐसा लगता है कि ये नियम फॉलो करने से फेयर प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा तो आप मत फॉलो करो इंडेस, और आप आपके हिसाब से जो सही लगे वो फॉलो कर दो विथ एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स. ऐसा इंडेस 1 में कहा गया है. जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कहीं नहीं कहते. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है, यानी मैंडेटरी है. अनलेस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी लॉ देन यू विल फॉलो द लॉ. बट इंडेस बोलता है कि यू कैन ऑल्सो डिविएट, गो बियॉन्ड इंडेस अगर फेयर प्रेजेंटेशन लाने के लिए ऐसा करना जरूरी है. यानी इंडेस बोलता है कि है तो हम स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, लेकिन हम बांधना नहीं चाहते आपको इस तरह से कि आपको कभी ऐसा लगे कि इंडेस फॉलो करने से गलत अकाउंटिंग हो रही है. आप इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं, यानी ये सब्सटेंस पर चलेगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस में सब्सटेंस ओवर फॉर्म के लेट अस टेक सम वेरी फ्यू क्विक एग्जांपल जिससे आपको समझ में आए. इंडेस हर जगह क्या करता है दोस्तों, इंडेस हर जगह आपको प्रिंसिपल्स देता है, रूल्स नहीं देता. AS में कई जगह रूल्स दिए जाते थे. कैसे रूल? इंटेंजिबल असेट की लाइफ पता नहीं होना तो बेटा 10 साल मान लेना. रूल दिया कि भाई 10 साल लाइफ मान लो अगर समझ में नहीं आ रही है. इंडेस ऐसा कभी नहीं बोलता. देयर इज नो फिक्स रूल. ये बोलता है आप हर ट्रांजैक्शन में देखो उसका सब्सटेंस क्या है और उसके बेसिस पर उसकी अकाउंटिंग करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसको लीगली कैसे प्रेजेंट किया गया है.
जैसे कि उदाहरण के तौर पे, लेट अस टेक अ वेरी गुड सिंपल एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे आज अगर मैंने से फॉर एग्जांपल 500 रुपए के कोई गुड्स बेचे और उसमें मुझे एक गिफ्ट वाउचर मिला है जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि आप 100 रुपए के गुड्स बाद में अगली बार जब माल खरीदने गुड्स खरीदने हैं तो 100 रुपए के गुड्स फ्री में ले जा सकते हैं। ऐसे केस में इंडेस बोलता है सब्सटेंस में देखा जाए तो आज आपने पैसे 500 रुपए लिए हैं पर गुड्स 500 के नहीं दिए, 100 रुपए की प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपने उसको फ्यूचर में फ्री में गुड्स लेने की परमिशन दी है। इसका मतलब आपने कुछ पैसे एडवांस में लिया है, यानी सब्सटेंस में आप पूरे 500 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इंडेस 18 आपकी अकाउंटिंग चेंज करा देता है। हालांकि अब इंडेस 18 भी रिवाइज हो गया, एंड नाउ यू हैव गॉट अनदर न्यू इंडेस अगेंस्ट इट विच इज 115 विच इज ऑल्सो मेड एप्लीकेबल फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, हाउएवर दैट इज नॉट इन आर कोर्स एटलीस्ट फॉर मे 18 एंड नवंबर 18। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस ओवर फॉर्म में मैंने आपको गुड्स आज सेल कर दिए और मैंने कहा 6 महीने बाद यही गुड्स मैं आपसे वापस परचेस कर लूंगा, सेल एंड रीपर्चेस, 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आए इसके ऊपर। तो मैंने कहा आज मैं आपको 100 रुपए में गुड्स सेल करता हूं और 6 महीने बाद यही गुड्स मैं आपसे वापस 105 रुपए में ले लूंगा। इंडेस बोलता है सब्सटेंस में कोई गुड्स सेल करके अपने ही गुड्स वापस से बाद में ज्यादा में खरीदने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब आज उसको गुड्स सेल करने की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत है, इसलिए वो गुड्स दे के पैसे ले रहा है और 6 महीने बाद पैसे विद ब्याज लौटाकर गुड्स वापस ले आएगा। यानी वो गुड्स सेल नहीं है, वो बेसिकली एक तरह का हाइपोथिकेशन है, गिरवी रखना है। आप सेल बुक नहीं करोगे, एडवांस मानोगे। The best example of substance over form is redeemable preference shares. Accounting standard बोलते हैं preference share nature में capital है, इसलिए हम इसको capital में show करेंगे। Indes बोलता है redeemable preference share में capital जैसा है ही क्या? Capital किसे बोलते हैं दोस्तों? जो अपने साथ आखरी तक रहे, जो कभी हमसे कुछ मांगे ना, जो कभी ये ना कहे कि है बिजनेस मुझे तुमसे ये चाहिए, मैंने तुम्हें ये दिया था, लाओ मुझे ये वापस दो। नहीं, ये तो ओनर है रे, ये तो जब कंपनी बंद होगी तब जो बचेगा वो ले जाएगा। कैपिटल मींस पीपल हु हैव इंटरेस्ट, रेसिडुअल इंटरेस्ट इन नेट असेट्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर तो बोलता नहीं, 10 साल बाद मेरा डम्पशन है, लाओ मुझे मेरे पैसे वापस दो। और उसको पैसे वापस देने के लिए आपको फ्री रिजर्व्स या फ्रेश कैपिटल लाना पड़ती है, तो फिर ये कैसा कैपिटल हुआ? ये तो लाइबिलिटी है। इंडेस बोलता है इसको लाइबिलिटी में दिखाओ। तो इंडेस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है किसमें? फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में। और उस पर आप जो डिविडेंड देते हो उसको एक्सपेंस दिखाते हैं पी एंड एल में, ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहते हैं। रिजर्व में इसे शो नहीं किया जाता एज अ डिविडेंड, इट इज रादर शोन इन पी और एल एज एन एक्सपेंस। तो सबसे पहली चीज, सब्सटेंस के ऊपर पूरे इंडेस बेस्ड होते हैं। यहां पे हमेशा आपको सब्सटेंस को प्राथमिकता देना है, ना कि उसके लीगल फॉर्म को। सेकंड फंडामेंटल लॉजिक समझिए दोस्तों, इंडेस में फेयर वैल्यू अकाउंटिंग को प्रपोज किया गया है, या यू समझ लीजिए मैंडेट किया गया है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग के फायदे और नुकसान क्या है? आप बचपन में एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, जिसका फायदा यह होता था कि सारी चीजों को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने से जो एक्चुअल अपन ने उसकी कॉस्ट पे करी है उतने पे वो बुक्स में आता था, यानी हेरा फेरी मैनिपुलेशन नहीं होते थे। बट प्रॉब्लम यह होती थी कि बाबूजी ने हमारे आज से 30 साल पहले 3 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी, जो आज भी उनकी बुक्स में 3 लाख पर ही आ रही है। आज हमने सीए बनने के 3 साल बाद 3 लाख रुपए की एक जमीन खरीदी, बाबूजी की बैलेंस शीट में एक असेट 3 लाख पे आ रही है, मेरी बैलेंस शीट में भी एक असेट 3 लाख पर आ रही है, दोनों असेट का नाम है लैंड, लेकिन बाबूजी की वो 3 लाख की लैंड आज हो सकता है 300 लाख की हो गई हो। ऑन पेपर दोनों की नेटवर्थ एक समान है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। इंडेस बोलता है इसलिए लेट अस गो फॉर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, यानी हम असेट्स लाइबिलिटी को किस पर रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यूज में। इसमें सब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि फेयर वैल्यू लोग अपने अपने हिसाब से निकालेंगे। इसीलिए हम एएस में कॉस्ट कंसेप्ट पे जाते थे, इंडेस ने बोला ये तो कोई बात नहीं हुई कि फेयर वैल्यू मैनिपुलेट हो सकती है तो कॉस्ट कंसेप्ट पे चले जाओ, फेयर वैल्यू मैनिपुलेट हो सकती है तो फेयर वैल्यू को डिफाइन कर दो। पर सही अगर फेयर वैल्यू पे दिखाना है चीजों को तो फेयर वैल्यू पे ही दिखाया जाए। तो इंडेस ने एक इंडेस 113 बना दिया, वो पूरा इंडेस ही फेयर वैल्यू के ऊपर है। वो सिर्फ ये बताता है कि फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, और फेयर वैल्यू आपको ऑलमोस्ट हर असेट लाइबिलिटी रिलेटेड इंडेस में पढ़ने को मिलेगी। तो सर इंडेस में क्या सारी चीजों को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है क्या? हाँ, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा,
वेरी लॉजिकली वेरी ब्रीफली व्हाट आई कुड से इज ए जितनी भी फाइनेंशियल असेट्स और लाइबिलिटी होती है इनको इनिशियल डेट पे और सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाता है एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस जैसे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड हेल्ड टू मैच्योरिटी असेट्स पे जो लगते हैं. बी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद फाइनेंशियल असेट लाइबिलिटी के बाद अगर मैं बात करूँ से फिक्स असेट जिसको हम पीपी बोलते हैं पीपी इंटेंजिबल असेट्स को इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन बाद में आपके पास अप्रोच ऑप्शन है कि आप चाहो तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो या फिर कॉस्ट पे दोनों में से जो भी अप्रोच लोगे वो आपकी पॉलिसी है जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे. टेंजिबल इंटेंजिबल असेट के बाद में बात करूँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है और इंडेस में इसको आगे भी कॉस्ट पे कैरी करना है यहाँ फेयर वैल्यूएशन परमिटेड नहीं है जबकि IFRS में परमिटेड है. इसके बाद मैं बात करूं कुछ अदर तरह की असेट्स जैसे बायोलॉजिकल असेट्स एग्रीकल्चरल असेट्स इन सबको तो इनिशियल डेट पर ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड किया जाता है यानी इनकी इनिशियल अकाउंटिंग सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग सब कुछ किस पे होती है नेट सेलिंग प्राइस जो आप बोलते हैं ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उस पर रिकॉर्ड किया जाता है. इसका मतलब अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी सब जगह आपके पास फेयर वैल्यू या तो ऑप्शन में है या कंपल्शन में है बट प्राइमरली अगर आप देखोगे तो पूरी अकाउंटिंग किस पर हो रही है फेयर वैल्यू पे. लाइबिलिटी साइड में वील प्राइमरली गो विथ फेयर वैल्यूज यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर जगह फेयर वैल्यू का यूज होगा. अब सर जब भी हम चीज़ों को फेयर वैल्यू पे लाएंगे तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू तो अलग अलग होगी तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएगा क्यों क्योंकि लॉस तो अपन P&L में डाल देते थे पर प्रॉफिट होता था तो अपन कंजर्वेटिज्म से इग्नोर कर देते थे. तो इंडेस ने बोला हम गुड क्वेश्चन शाबाश बच्चों बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने. तो इंडेस ने बोला एक काम करते हैं अब हम एक तरीका ढूंढते हैं हम हमारे SPL स्टेटमेंट ऑफ P&L को ही दो पार्ट में बांट देते हैं. पहले पार्ट में अपन डाल देंगे वो सारी चीजें जो नॉर्मली आपके SPL में P&L में जाती थी जिसको नाम देंगे P और L प्रॉफिट और लॉस. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और सेकेंड पार्ट को बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. इसमें बाकी सारी चीजें डाल देंगे. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सर क्या सारे फेयर वैल्यू डिफरेंस आएंगे? ऐसा जनरल रूल मत बनाना क्योंकि कई बार फेयर वैल्यू के डिफरेंसेस P&L में भी जाते हैं कई बार OCI में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी जाते हैं. बट हाँ फिक्स असेट से रिलेटेड सारे फेयर वैल्यूएशन डिफरेंस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं. सिमिलरली आपकी एम्प्लॉई बेनिफिट से रिलेटेड जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होती है रिटायरमेंट बेनिफिट उससे रिलेटेड जो भी आपके डिफरेंसेस होते हैं एस्टिमेशन के वो सब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं. तो फिक्स असेट से रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे प्रॉफिट OCI में जाएंगे. आपके एम्प्लॉई बेनिफिट लाइबिलिटी से रिलेटेड सारे गेन और लॉस एक्चुअरियल वैल्यूएशन डिफरेंसेस सारे के सारे आपके OCI में जाएंगे. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में दो तरह के मेथड होते हैं FVTPL FVOCI. FVTPL यानी फेयर वैल्यू थ्रू P और L वो P&L में जाएगा. FVOCI यानी फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा. बायोलॉजिकल असेट्स में सारे डिफरेंसेस हम P और L में ले जाते हैं. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस आते नहीं है सिर्फ सेल पे आते हैं. सेल पे रियलाइज हुए प्रॉफिट नॉर्मली यूजुअली P और L में ही जाएंगे पर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आपने इक्विटी शेयर्स में किए गए इन्वेस्टमेंट्स पे OCI का ऑप्शन लिया है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स फाइनेंशियल असेट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर विच इज वैल्यूड थ्रू FVOCI तो यहाँ पर सेल पर भी जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो OCI में जाएगा P और L में नहीं जाएगा. यानी मैं जनरलाइज नहीं कर पाऊंगा कि सारे वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन गेन OCI में जाते हैं बट या लॉजिक ये था इनिशियली कि इसको ऐसा किया जाए. क्यों कुछ चीज़ें P&L में और क्यों कुछ चीज़ें OCI में जाती हैं उसके पीछे भी अपने लॉजिक्स हैं बट अभी अपन ये समझें कि देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पोर्शन जाएगा OCI में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मेजॉरिटी और बाकी पोर्शंस आपके जाएंगे P और L में. या यूँ कह लें कि P और L में जो नहीं जाएगा वो जा सकता है कहाँ OCI में. तो दिस वॉज आवर सेकेंड बेसिक फंडामेंटल थिंग जिसके ऊपर इंडेस हमारे बेस्ड है. तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस इंडेस और AS में देखा जाता है दैट इज ऑफ रीस्टेटमेंट अ वेरी डिफरेंट अप्रोच विच इंडेस फॉलोस. दोस्तों रीस्टेटमेंट का फंडामेंटल तीन चीजों के कारण पैदा होता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन रीस्टेटमेंट ड्यू टू एरर्स एंड रीक्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट्स.
शब्दों पे गौर फरमाइएगा, तीन चीजों के कारण होता है। पहला रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, अकाउंटिंग पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना। दूसरा रीस्टेटमेंट ड्यू टू एरर्स, एरर्स को रेक्टिफाई करते समय हमें रीस्टेट करना होता है प्रीवियस ईयर फिगर्स को। तीसरा रीक्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें हम हमारे ओसीआई में गए प्रॉफिट्स को पीआरएल में रीक्लासिफाई करते हैं। ध्यान से समझना, ये अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट और अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप कुछ और कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, लाइक प्रिपरेशन ऑफ द थर्ड बैलेंस शीट। समझना क्या है फंडामेंटल दोस्तों, इंडेस में यह कहा गया है कि जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे, अनलेस कोई इंडेस उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से बताता है, इंडेस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन एस्टिमेट्स एंड एरर्स कहता है कि इंडेस 8 कहता है कि जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का मतलब हम ये सोचेंगे कि ये पॉलिसी में शुरू से फॉलो करता तो मेरी अकाउंटिंग पिछले सालों की क्या हुई होती, और जो मेरी पिछले सालों की अकाउंटिंग हुई होती उन्हें मैं पिछले सालों में चेंज करके लेकर आऊंगा। एएस में भी हम ऐसा करते थे कुछ कुछ जगह, जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते थे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो। हालांकि ध्यान रखना AS 5 ऐसा नहीं बोलता था कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज का हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। AS 5 वाज अ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इट डिड नॉट प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट ओनली प्रिस्क्राइब डिस्क्लोजर्स। तो AS में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इफेक्ट हम AS टू AS वेरी करके देते थे, पर कई जगह ऐसा होता था कि अकाउंटिंग पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करते थे। जैसे पुराने जमाने में SLM टू WDV, WDV टू SLM में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते थे, अब तो उसको AS इंडेस दोनों में प्रोस्पेक्टिव देते। तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे अच्छा शुरू से WDV फॉलो करते तो इतना डेप्री लगता, शुरू से हमने SLM फॉलो किया है तो इतना लगाया है, यानी हमने डेप्री इतना कम लगाया है, तो हम एक काम करते हैं इतना डेप्रिसिएशन इस साल लगा देते हैं शॉर्ट डेप्रिसिएशन के नाम से, और बोलते थे ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यही चीज अगर इंडेस में करना होती तो मालूम है कैसे करना पड़ता, SLM फॉलो किया पर WDV फॉलो करना चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है WDV फॉलो करूं तो मैं सोचता हूं कि मैं पहले से अगर WDV फॉलो करता तो मेरे 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले का डेप्री कितना 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 होता। अब मैं काम करता हूं उन सारे साल का डेप्री चेंज कर देता हूं और अपने प्रीवियस ईयर के फिगर्स को रिवाइज कर देता हूं। यानी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने डेप्री लगाया है 10 10 10 10 10 10, पर मुझे लगाना चाहिए था सपोज 15 14 13 12 11 10। तो मैं ऐसा करूं कि मैं इन सबका डिफरेंस निकाल के क्यूमुलेटिव देखूं कि 15 का डेप्रिसिएशन कम लगाया तो इस साल लगा दूं। इंडेस बोलता है नहीं, 5 साल पहले का डेप्रिसिएशन अब आप क्या करो, 5 से बढ़ा के लगाओ। तो सर 5 साल का पीएनएल मुझे रीस्टेट करके वहां के प्रॉफिट जो दिखाएं उससे अलग करना पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है 5 साल का पीएनएल कोई दिखाता थोड़ी ना है। हम लोग नॉर्मली हमारे जो पीएनएल बताते हैं वो क्या बनाते हैं, करंट ईयर के, और उसके पड़ोस में हम क्या देते हैं, प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव्स। तो इसके लिए इंडेस बोलता है कि अच्छा एक काम करूं, प्रीवियस ईयर के फिगर को रीस्टेट कर दो और प्रीवियस ईयर से पहले के सालों में जितना भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है उसको प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट में रिजर्व से एडजस्ट करके बता दो। यानी आपने डेप्री लगाना था 15 14 13 12 11 और आपने लगाया 10 10 10 10 10, तो आप क्या करो, पिछले साल आपने लगाया 10 जबकि लगाना था 11, तो प्रीवियस ईयर फिगर 11 का कर दो, तो आपका जो प्रॉफिट लास्ट ईयर दिखाया था और अब जो प्रीवियस ईयर के फिगर होंगे वो मैच नहीं करेंगे, प्रॉफिट 1 से कम आएगा। उससे पहले आपने देखा जाए तो 5 4 3 2 ज्यादा लगाया, तो इन सब का टोटल लगाओ, चलो कितना होता है 5 4 3 2, तो ये टोटल अगर मैं देखूं तो ये आएगा हमारा कितना 14, 5 4 3 2, तो ये 14 का डिफरेंस मैं क्या करूंगा, ओपनिंग रिजर्व से एडजस्ट कर दूंगा। ओपनिंग रिजर्व यानी कि प्रीवियस ईयर की ओपनिंग रिजर्व्स। ध्यान रखना इसमें मुझे डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी देना पड़ेगा। तो ओपनिंग रिजर्व से एडजस्ट करेंगे तो इसका मतलब सर बैलेंस शीट भी 2 साल की बनती है, तो उसमें हम करंट ईयर एंड के फिगर्स देते हैं और प्रीवियस ईयर एंड के, यानी 31/3/18 की बैलेंस शीट में 31/3/17 का फिगर आएगा। तो इसके लिए अब आपको एक और बैलेंस शीट उसके साइड में बनाना होगी 1 अप्रैल 2016 की, और उसमें ओपनिंग रिजर्व्स को आपको 14 से एडजस्ट करना होगा सब्जेक्ट टू टैक्स इफेक्ट।
इस तरह से अब आपको तीन बैलेंस शीट बताना होगी, 31/3/18 करंट डेट, 31/3/17 प्रीवियस ईयर करंट डेट, और 1/4/16 प्रीवियस ईयर ओपनिंग डेट। ऐसा आपको कब करना है, जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना चाह रहे हैं। इज दिस क्लियर? सर यही जगह रीस्टेटमेंट होगा या कोई और जगह भी होता है? अगर आपको कोई एरर्स मिली है तो भी रीस्टेट करो। पिछले साल की गलती है तो प्रीवियस ईयर फिगर, उससे पुरानी है तो प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना, रीस्टेट करके डालना। सिमिलरली एक रीक्लासिफिकेशन होता है। रीक्लासिफिकेशन का लॉजिक ये होता है कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी प्रॉफिट को रीक्लासिफाई करने की बात की गई। अब सर ये रीक्लासिफाई मतलब क्या होता है? ओके दोस्तों, जैसे मैंने आपको भी बताया, कई बार फेयर वैल्यू चेंजेस को हम कहां ले जाते हैं, कई बार फेयर वैल्यू चेंजेस को हम कहां ले जाते हैं, ओसीआई में। पर जब वो असेट सेल हो जाती है तो उसका प्रॉफिट कहां जाता है, पीआरएल में। तो जो प्रॉफिट अपन पहले ओसीआई में ले गए थे, क्या उसे ओसीआई से उठा के पीआरएल में ले जाना चाहिए क्या? कुछ कुछ केस में ऐसा करना पड़ता है। तो अगर मैं शेड्यूल 3 का डिवीजन 2 जहां पे फॉर्मेट दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एज पर इंडेस, अगर मैं वो देखूंगा तो उस फॉर्मेट में मुझे देखने को मिलेगा कि नोट्स टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एक लिस्ट दी गई है कि ये सारे इनकम एक्सपेंसेस नॉन रिक्लासिफाइबल हैं और ये रिक्लासिफाइबल है। उदाहरण के तौर पे चेंजेस इन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, AS 15 और इंडेस 19, एम्प्लॉय बेनिफिट के चेंजेस जो होते हैं आपके एक्चुअरियल वैल्यूएशन के, दे आर नॉन रिक्लासिफाइबल। रिवैल्यूएशन गेन लॉसेस आर नॉन रिक्लासिफाइबल। एफ ई ओ सी आई में अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को वैल्यू किया है तो वो नॉन रिक्लासिफाइबल है। सिमिलरली यही सारी चीजें अगर कोई एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर में देखने को मिली है तो वो वहां नॉन रिक्लासिफाइबल है, तो कंसोलिडेटेड लेवल पे भी नॉन रिक्लासिफाइबल। कुछ रिक्लासिफाइबल के एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपने FVOCI वैल्यू किया है, तो जब वो डेट इंस्ट्रूमेंट आप होल्ड करके रखोगे तो उसकी जो फेयर वैल्यू के चेंज है वो चेंजेस सारे कहाँ जाएंगे, OCI में। पर जब आप उसको बेच दोगे तो बेचने पे जो प्रॉफिट और लॉस होएगा वो तो PRL में जाएगा। अभी तक जितना OCI में गया था, सपोज अभी तक प्रॉफिट OCI में गया था 10 रुपए का, तो वो 10 माइनस होगा OCI से और PRL में प्लस होगा। This is known as reclassification. तो debt instruments पे अगर आपकी highly effective hedge है, similarly foreign operations है आपके, उसके conversions में जो differences आए, इन सब के जो profits होते हैं, ये सब क्या माने जाते हैं, reclassifiable. reclassifiable अगर कोई index कहे कि आपको restatement के साथ करना होगा, यानी इस साल से profit minus करके, sorry इस साल का OCI कम करके PRL बढ़ाने की बजाय previous year में जब OCI में डाला था तो उसे कम करके PRL बढ़ाओ, तो that would lead to reclassification with restatement. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया, 100 रुपए लगाए, ईयर एंड पे वैल्यू 105 हो गई, मैं उसे FVOCI के तहत वैल्यू कर रहा हूं, तो 5 रुपए से डिबेंचर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और OCI बढ़ जाएगा। अगले साल मैंने उसे बेच दिया जब उसकी वैल्यू 106 थी, 1 रुपए का प्रॉफिट PRL में गया, प्लस 5 रुपए का मैंने OCI माइनस करके PRL प्लस कर दिया, यानी इफेक्टिवली 6 रुपए पूरा रियलाइज हो गया, इसलिए वो PRL में गया। OCI में क्योंकि 5 पहले बुक हो गया था इसलिए इस साल माइनस हो गया। अगर वो इंडेस बोलता कि नहीं प्रीवियस ईयर में जाके रीस्टेट करो, तो प्रीवियस ईयर में मैं 5 माइनस करके प्रीवियस ईयर के PRL में 5 प्लस करता, दैट इज रीस्टेटमेंट विद रिक्लासिफिकेशन, जैसा इस एग्जाम्पल में करना नहीं है। तो बेसिकली रीस्टेटमेंट की 3 रिक्वायरमेंट हो सकती है, पॉलिसीज चेंज हुई रेट्रोस्पेक्टिवली, एरर्स करेक्ट करिए और पिछले सालों से रिलेटेड है, या रीक्लासिफिकेशन की कहीं कोई जरूरत पड़ गई। जब भी रीस्टेटमेंट होगा दोस्तों, ध्यान रखना रीस्टेटमेंट के केस में आपको प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी। लेकिन इंडेस कहता है कि अगर आपको लगता है कि ये रीस्टेटमेंट जिन कारणों से हो रहा है वो मटेरियल नहीं है, तो फिर आप उसको करंट ईयर से एडजस्ट कर सकते हो, फिर प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट यानी थर्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। तो कोई छोटी मोटी अगर आपको एरर्स पिछले सालों की मिलती है तो आप उसको करंट ईयर से एडजस्ट विदाउट रीस्टेटमेंट कर सकते हो। ऐसे भी मटेरियल चीजों पर स्टैंडर्ड्स ऑप्शनल होते हैं लगाना, क्योंकि उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सो दिस इज बेसिकली द फंडामेंटल प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू इंडेस. क्लास में अपन ने इसके कई सारे एग्जाम्पल्स लेके इसको कवर किया था. आखिरी हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल हम इंडेस का देखते हैं दोस्तों. द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडेस विच मेक्स इट सब्सटैंशली डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. इंडेस 32109107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं. और अगर देखा जाए तो इंडेस और एएस में सबसे बड़े डिफरेंस का अगर कोई कारण है तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऐसा बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज अ फाइनेंशियल असेट फॉर वन एंटिटी एंड अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर एंटिटी. लेवन टर्म्स में अगर मैं समझूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि जो एक के लिए फाइनेंशियल एसेट है पर दूसरे की लाइबिलिटी या इक्विटी है. इसका मतलब मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट कब होगा? जब मुझे किसी से पैसे लेना है या मेरे पास किसी के शेयर्स है. किसी से पैसे लेना है तो उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, किसी के शेयर्स मेरे पास हैं इक्विटी शेयर्स तो वो उसकी इक्विटी. मेरे लिए दोनों फाइनेंशियल एसेट है, पैसे लेना या किसी के शेयर्स. पर सामने वाले के लिए पैसे देना है तो लाइबिलिटी है, पर उसके शेयर मेरे पास है तो वो इक्विटी है, कैपिटल है. फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी, इन तीनों की अकाउंटिंग में फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग बताई गई है. इक्विटी की अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ मैटर्स कवर किए जाते हैं, अदरवाइज इक्विटी की अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी कवर्ड नहीं है. तो शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग तो ऐसा उसमें प्राइमरली कवर नहीं होती है अगर वो शेयर कैपिटल इक्विटी के नेचर का है. हाँ, क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेट के नेचर का है तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, उसकी अकाउंटिंग कवर हो जाएगी. एनीवेज, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट टू मच. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग इंडेस में कवर्ड है, इसका मतलब क्या है? अब देखो दोस्तों, एक बैलेंस शीट यहाँ पे देखो. ये पुराने से भी पुराना फॉर्मेट था, वो टी फॉर्मेट बैलेंस शीट का, जो अपन आज भी यूज करते हैं पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप्स में. इसमें मैंने कुछ हेड्स लिखे हैं. अगर आप देखो इन हेड्स में तो फिक्स्ड असेट्स पहला हेड हुआ करता था जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे. इन्वेस्टमेंट पे पुराना एक एएस 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जो बहुत ही छोटी मोटी बातें करता था, नथिंग ग्रेट, नथिंग मच. आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग फॉर्मेट्स में होते हैं. यू इन्वेस्ट बेसिकली इन वेरियस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, यू क्रिएट कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज टू डू इन्वेस्टमेंट्स. You have derivative market, you have commodity market, you have foreign currency markets, you get into swaps, options, futures. इन सब की accounting AS 13 में नहीं होती थी. Current assets, loans and advances में एक inventory के ऊपर AS 2 था, बाकी debtor की accounting पे कोई कभी accounting standard नहीं था. Loan given पे कोई कभी accounting standard नहीं था. Loan taken की borrowing cost पे AS है, लेकिन loan taken पर भी standard नहीं था. यानी आप देखिए प्रैक्टिकली ये जितने जगह मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं या क्रॉस मार्क कर रखे हैं, इन सब के ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ही नहीं. आप यू देख लीजिए कि इसमें एक शेयर कैपिटल आप स्किप कर दीजिए, बाकी सारी की सारी चीजों की अकाउंटिंग. इक्विटी स्किप कर दे तो बाकी सब चीजों की अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कवर्ड होती है. अलग अलग फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, ऑल टाइप्स ऑफ डेटर्स, करंट असेट्स, receivables and payables, current liabilities, financial liabilities like loan given, taken, everything, even your secured, unsecured loans, ये जितने भी लेन देन वाले सारे के सारे आपके financial instruments हैं, इन सब की accounting क्या है? financial instruments के standard में covered है. और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा technical accounting या यू कह लीजिए substance over form के ऊपर based accounting है. तो ये चार basic feature हैं इंडेस के जो उन्हें accounting standard से बहुत अलग कर देते हैं. कुछ स्टूडेंट्स मेरी ऑडिट की बैच में आते थे एंड दे यूज्ड टू से कि सर एफआर हमने पढ़ा है, बाकी एफआर में इंडेस में तो एज सच हमने देखा मोर ऑर लेस एएस जैसे ही है, दो तीन इंडेस को छोड़ दो. तो आई फाउंड इट टफ टू फाइंड एनी पर्टिकुलर इंडेस विच इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्ट फ्यू वेरी बेसिक स्टैंडर्ड लाइक एएस टू इन्वेंट्री और कैश फ्लो स्टेटमेंट और ऑल. तो इंडेस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अलग हैं. ये मैंने एक बैकग्राउंड बेस आपको दे दिया इसके ऊपर. आई होप इस लेक्चर को देख के अब आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें जो अपन आगे रिवीजन में कवर करेंगे, खास तौर पे इंडेस 1 जो हमारा बेसिक फंडामेंटल स्टैंडर्ड होगा उसमें कवर करेंगे, आप उसे अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे. चले वील टेक अ ब्रेक एंड देन वील स्टार्ट विद आर फर्स्ट इंडेस विच इज गोइंग टू बी इंडेस 1 एंड नाउ वील इंक्रीज द स्पीड ऑफ डूइंग आर रिविजन ऑल्सो.
चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करेंगे हम हमारे सबसे पहले इंडेस का रिवीजन एंड वी विल गो सीक्वेंशियली। तो कवर करने वाले हम लोग इंडेस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन वी विल गो टू इंडेस टू विच इज गोइंग टू बी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इंडेस टू इन्वेंट्रीज के बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेस सेवन जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री जैसा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन वी विल कम टू इंडेस एट। इंडेस एट हमारा होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन एस्टिमेट्स एंड एरर्स। ये काफी कुछ हमारे एस फाइव जैसा है, बट इट इज सब्सटेंशियली डिफरेंट। देन वील कम टू इंडेस टेन विच इज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ये होगा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर के जैसा। एंड देन वी विल सी इंडेस इलेवन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके बाद आएगा आपका धमाकेदार इंडेस विच इज गोइंग टू बी taxes on income, income taxes। एक एक करके sequentially हम revision चलेगा और इसी sequence में हम आगे बढ़ते जाएंगे। इंडेस वन सबसे पहले शुरू करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में, हमारी जो अप्रोच होगी पढ़ने की वो ये होगी कि मैं बेसिकली जो क्लास में मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, इनफैक्ट जो क्लास में मैंने लेक्चर देते समय नोटिंग स्टूडेंट्स को कराई हैं, वी विल यूज दैट एज द बेस टू सेव टाइम। ये बोर्ड नोट्स कहते हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है। ये नॉर्मली अपनी एक अप्रोच होती है दोस्तों, आप देखेंगे। व्हाट वी डू इज, मेरी एक आदत है जब भी कोई इंडेस हम शुरू करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास कोई रास्ता पूछने के लिए आता है, या आप कभी घर में अगर कभी बाऊजी से पूछते हैं कि हमें कहाँ जाना है, और बाऊजी उसका रास्ता आपको इस तरह से समझाते हैं कि बाहर निकलना, राइट लेना, सीधे जाना, फिर वहां से लेफ्ट, फिर मेन रोड आएगी, फिर सीधे जाते जाना, नाक की सीध में जाएगा तो लेफ्ट में जगह आएगी और उस जगह का नाम है एमजी रोड स्क्वायर। इसकी बजाय अगर बाऊजी आपको बोलते हैं कि यार एमजी रोड स्क्वायर पे जाना है और वो जाने का ये रास्ता है, शायद आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते क्योंकि आपको शायद एमजी रोड स्क्वायर के बारे में कुछ पता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एमजी रोड मैंने इसलिए बोला क्योंकि हर शहर में होती है। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम जब भी कोई इंडेस लेंगे या जब भी हम क्लास में पढ़ते हैं तो मैं शुरू में पहले आपको शुरू से आखिरी तक उस इंडेस में क्या होने वाला है वो सब बता देता हूं, ताकि आपको एग्जैक्टली हर स्टेज पर ये पता हो कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं और कौन सी चीजें आगे आने वाली है, सो दैट वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी डू। इसलिए ये जो चार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चार्ट में बेसिकली पूरी कवरेज है हमारे इंडेस वन की, जो जो चीजें हमें कवर करना है इंडेस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें, क्योंकि हमारे रिवीजन लेक्चर का उद्देश्य अभी सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन डिस्कस करना है इंडेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बीच में। इसलिए हमारी अप्रोच ये रहेगी कि पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा इंडेस का, और फिर अपन इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कंपैरिजन्स पढ़ लेंगे जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। ओवरव्यू मैं इसलिए दूंगा ताकि अपन उन पॉइंट्स को समझ सके और अपने को याद कुछ भी रखने की जरूरत ना हो, कंसेप्चुअली सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठी होना चाहिए। इंडेस वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का रिप्लेसमेंट तो नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों के स्कोप में बहुत जमीन आसमान का देखा जाए तो फर्क है दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का नाम था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इंडेस वन का एक बहुत छोटा सा पार्ट है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इंडेस वन बेसिकली इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंडेस वन आपको क्या क्या बताएगा, सबसे पहले इंडेस वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं जिसमें हम बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट, या इंडेस में पी एंड एल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में पी आर एल ओ सी आई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऐसी जितनी सारी चीजें हम लेते हैं ये उन सब का डिस्क्रिप्शन देता है। इनफैक्ट अगर आप आई एस वन में जाओगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन में, तो आपको उसमें फॉर्मेट भी मिलेंगे बैलेंस शीट एस पी एल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के। लेकिन भारत में आपको बताया कि ये फॉर्मेट बनाने का काम हमने किसको दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। इसलिए हमारे फॉर्मेट शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में मिलते हैं और इंडेस कहीं भी किसी प्रकार का कोई फॉर्मेट नहीं देता है। लेकिन इंडेस प्रिस्क्रिप्शन जरूर देता है कि उन फॉर्मेट में हमें कहां पर क्या चीज को कैसे भरना है। इनफैक्ट इंडेस वन में करंट नॉन करंट की डेफिनेशन दी गई है जो कि बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो आईएएस में है, और सेम एज इट इज उसी डेफिनेशन को शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में करंट और नॉन करंट के क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया गया। दैट मींस एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल। कंपनीज एक्ट 2013 ने जो प्रोविजंस लिए इंडेस से रिलेटेड, वो सब जो इंडेस में प्रोविजंस है वही आए, देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉन्ट्राडिक्शन हियर। तो इंडेस वन का स्कोप थोड़ा सा बड़ा है। इंडेस वन क्या बातें करता है, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपोनेंट्स।
दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपोनेंट्स का क्या मतलब हुआ? इंडेस वन जैसे मैंने आपको बताया, आपको बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या क्या बनाना है. वेरी क्विकली क्या क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सर एज पर कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वी हैव बैलेंस शीट, वी हैव एसपीएल, वी हैव स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स. वेरी गुड. इंडेस वन में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यही परिभाषा है, पर इन्होंने इसमें दो चीजें और ऐड कर दी. एक बोल दिया कंपेरेटिव्स देना होंगे और दूसरा बोल दिया कि आपको रीस्टेटमेंट के केस में जो अभी अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगी, यानी वो तीसरी आंख, तीसरी बैलेंस शीट जो कभी कभी हमें खोलना पड़ती है. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? पांच चीजें जो आपको कंपनीज एक्ट में कही उसके अलावा ये दो चीजें और कहता है. एक बोलता है कंपेरेटिव्स. कंपेरेटिव्स कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 भी बोलता है कि आपको प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिव्स देना होंगे. इंडेस वन बोलता है कि मिनिमम वन ईयर कंपेरेटिव्स आर टू बी गिवन. मिनिमम वन ईयर का मतलब अगर आप चाहो तो सर क्या मैं 2 साल के भी दे सकता हूं? हाँ दे सकते हो. सर मैं 5 साल के देना चाहूं? हाँ दे सकते हो. सर मैं चाहता हूं पीएनएल में 5 साल का दूं ताकि मेरे प्रॉफिट्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं मैं बता दूं, और बैलेंस शीट में सिर्फ 2 साल की बताऊं, चलेगा? गुड क्वेश्चन. चलेगा. देयर इज अ क्वेश्चन आल्सो ऑन दिस जो इंस्टीट्यूट ने अपने क्लैरिफिकेशन बुलेटिन में पूछा है. इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम वन ईयर कंपेरेटिव आएगा, उससे ज्यादा आप चाहें तो वॉलंटरली आप डाल सकते हैं. ऑब्वियस सी बातें डालेंगे तो वो सब एज पर इंडेस आपको बनाना पड़ेंगे. इसके अलावा अगर कभी रीस्टेटमेंट की सिचुएशन आती है, 3 सिचुएशन पढ़ी थी हमने रीस्टेटमेंट की, ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव चेंज ऑफ एरर्स एंड रीक्लासिफिकेशन. अगर आप रीस्टेटमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर से भी पुराने सालों में जाता है तो फिर हमें एक प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट और बनाना पड़ेगी. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करी गई है इंडेस वन में. इसका एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा इस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप अपने आंसर में शेड्यूल 3 के साथ साथ इंडेस वन का भी रेफरेंस दे सकते हैं. इनफैक्ट आपको देना पड़ेगा. चलिए तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट्स की बात है, कंपैरेटिव्स की बात हमने कर ली, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई फॉर्मेट किसी इंडेस में नहीं दिया है, शेड्यूल 3 में भी नहीं दिया गया है. हालांकि इंडेस कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है ये बताते, शेड्यूल 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में एकदम साइलेंट है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है. यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा इस पर AS3 या IndAS 7 बनेगा, बाकी सबके फॉर्मेट बैलेंस शीट, एसपीएल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के आपको शेड्यूल 3 में मिलेंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस आपको इंडेस 1 में मिलेंगे. कैश फ्लो इज नॉट कवर्ड अंडर इंडेस 1 एब्सोल्युटली. देन इफ वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रिपरेशन, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हमने डिस्कस किया था. इंडेस साफ साफ कहता है कि अगर किसी भी कारण से आपको लगता है कि इंडेस फेयर प्रेजेंटेशन के आड़े आ रहा है तो उस केस में आप फेयर प्रेजेंटेशन को प्रेफर कर सकते हो, यानी आप इंडेस के अगेंस्ट जा सकते हो. और अगर आपने ऐसा किया तो ध्यान से सुन लो, इंडेस वन कहता है आपको डिस्क्लोजर में क्या क्या देना होगा. एक, टाइटल ऑफ इंडेस. बी, उस इंडेस को आपने क्यों फॉलो नहीं किया, उसके रीजंस. सी, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया. डी, इस ट्रीटमेंट में आपके और इंडेस के क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट या डिफरेंसेस आते हैं. यानी टाइटल ऑफ दैट इंडेस, रीजन ऑफ नॉट फॉलोइंग द इंडेस, व्हाट ट्रीटमेंट हैव यू फॉलोड एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट, ये 4 डिस्क्लोजर्स आपको देना पड़ेंगे अगर किसी भी केस में आप इंडेस के प्रोविजन फेयर प्रेजेंटेशन के कारण फॉलो नहीं करते. दोस्तों ऑडिट भी आप पढ़ोगे तो ऐसे 200 पहला ऐसे आपका जो है उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के नाम से जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो 2 फ्रेमवर्क आते हैं, कंप्लायंस और एक फेयर प्रेजेंटेशन. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अगर आप पढ़ेंगे तो वो लिखता है फेयर प्रेजेंटेशन मींस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड गिविंग एडिशनल डिस्क्लोजर्स टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन एंड इन एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टेंसेस इफ देयर इज अ नीड टू कॉन्ट्राडिक्ट विद द standards prescribed for presentation of financial statement contradict with that standards to achieve fair presentation. तो वो जो fair presentation की परिभाषा आप देखते हैं कहां पर ऐसे 200 में, वो basically किससे relate होती है, Indes 1 के true and fair presentations. तो पहला पॉइंट true and fair presentation, aggregation और materiality. दोस्तों एक बहुत ही important पॉइंट है, you can expect the question also on this. aggregation materiality का क्या सवाल है, एक बहुत सिंपल सा सवाल है. सर बैलेंस शीट में क्या प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी में और एडवांस टैक्स असेट में दिखाया जा सकता है अलग अलग, या दोनों को सेट ऑफ करना है. I mean, क्या ये किया जा सकता है या करना ही है. I mean, क्या ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है.
ये सवाल है, क्या मैं दो फिगर्स को एग्रीगेट नेट ऑफ सेट ऑफ कर सकता हूं या उन दोनों को अलग अलग दिखाऊं? इंडेस वन कहता है दैट एग्रीगेशन और सेट ऑफ शुड ओनली बी डन व्हेन इट विल नॉट ऑब्सक्योर द यूजर फ्रॉम मटेरियल इंफॉर्मेशन. ऑब्सक्योर मतलब पर्दा डालना. आप एग्रीगेशन या सेटिंग ऑफ सिर्फ तब करेंगे जब यूजर को जो मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको देना है वो छुप रही है, वो छुपना नहीं चाहिए. अगर आपको लग रहा है छुप रही है तो आप वो क्लबिंग या नेटिंग ऑफ नहीं कर सकते. यानी ये आपका जजमेंट है, यू हैव टू डिसाइड. इसके अलावा इंडेस कहता है कि सेटिंग ऑफ ऑफसेटिंग या एग्रीगेशन परमिटेड होगा अगर कोई दूसरा इंडेस परमिट करता है. क्या कोई दूसरा इंडेस परमिट करता है? हाँ, इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहता है लीगली इफ यू हैव अ राइट टू सेट ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट अगेंस्ट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी यू शुड सेट इट ऑफ. यानी अगर कोई इंडेस बोले सेट ऑफ करने का तो करना पड़ेगा. सिमिलरली इनकम टैक्स का इंडेस 12 कहता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स को आपस में सेट ऑफ करना होगा. इनफैक्ट शेड्यूल 3 भी कहता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स, क्योंकि एडवांस टैक्स उसी प्रोविजन को पे करने के लिए बनाया गया है, दोनों को अलग अलग दिखाने से आपकी लाइबिलिटी और असेट साइड दोनों इन्फ्लेटेड है, इसलिए इनका सेटिंग ऑफ करना कंपलसरी है, इट इज नॉट ऑप्शनल. यानी ध्यान रखना, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया जाए तो समझ जाना ये नेट ऑफ एडवांस टैक्स है. इसमें एडवांस टैक्स जो भी पे किया होगा वो इससे सेट ऑफ हुआ होगा, ऑब्वियसली सेम ईयर के होना चाहिए. इसके अलावा इंडेस एक और एक्सेप्शन देता है और वो कहता है कि अगर मटेरियलिटी और एग्रीगेशन करने से सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है तो भी ऐसा किया जाना चाहिए. अब सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होने का क्या मतलब हुआ? कई बार ऐसा हो सकता है दोस्तों कि अगर आप इंफॉर्मेशन को अलग अलग देंगे तो वो सब्सटेंस में सही प्रेजेंटेशन नहीं देगा. जैसे कि एक ब्रोकर अगर हैवी क्वांटिटी में परचेस सेल करता है तो शायद बेहतर होगा कि वो सिर्फ अपने मार्जिन को इनकम दिखाए रादर देन ग्रॉस परचेज और ग्रॉस सेल्स को अपनी एक्सपेंस और इनकम शो करें. यानी आप सब्सटेंस में अगर सिर्फ एक डीलर हो, यानी कि आप एक्चुअल में सब्सटेंस में सिर्फ एक एजेंट हो, नॉट डीलर, आप एक एजेंट हो बट लीगली आप परचेस सेल कर रहे हो बट आपकी क्वांटिटी इतनी क्विक है कि आप एक्चुअल में सिर्फ एक फिक्स मार्जिन पे काम करते हो, उस केस में आप फेयर प्रेजेंटेशन सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन को शो करने के लिए उसे सेट ऑफ कर सकते हैं. यानी एग्रीगेशन और मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ए, एग्रीगेशन सेटिंग ऑफ शुड ओनली बी डन व्हेन इट विल नॉट ऑब्सक्योर यूजर फ्रॉम मटेरियल इंफॉर्मेशन. बी, यू शुड और यू मे डू एग्रीगेशन और सेटिंग ऑफ इफ एनी अदर इंडेस इज परमिटिंग यू टू डू दैट और इफ इट रिप्रेजेंट सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन. सी, इमटीरियल चीजों में ये सारे नियम कायदे कानून कुछ नहीं लगेंगे. आप इमटीरियल इंफॉर्मेशन में जैसा करना चाहें कर सकते हैं. दोस्त, मटेरियलिटी क्या है ये सब आप पढ़ के आ रहे हो 11वीं से. हाउ डू वी डिफाइन मटेरियलिटी? दैट इज प्योरली समथिंग विच अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द यूजर. क्या लाखों में एक रुपया मटेरियल है या नहीं है? इट प्योरली डिपेंड्स. क्या करोड़ों में एक रुपया मटेरियल है या नहीं है? इट प्योरली डिपेंड्स. मेरा टर्नओवर 2 करोड़ है और 1 रुपए की सेल्स मैंने मिस कर दी बुक करना, हो सकता है ये मटेरियल हो जाए क्योंकि 2 करोड़ 1 रुपए की सेल्स पे आप पे टैक्स ऑडिट आ जाएगा. ये वही बात है कि 70 की उम्मीद थी मुझे कि एफआर में 70 आएंगे और 69 आए, क्या मैं रिवेल में पेपर डालूंगा क्या? नहीं रहने दो सर, और कम नहीं हो जाए, एग्जम्पशन तो है. अरे सर पास हुए, रैंक आई, आप एग्जम्पशन की बात कर. लेकिन आपके दोस्त को 40 की उम्मीद थी और 39 आए, क्या उसे रिवेल डालना चाहिए क्या? नहीं सर, उसको तो हवन कराना चाहिए ना, अब उसको रिवेल से कुछ नहीं होगा. यानी मटेरियलिटी क्या है ये सब हम समझते हैं. इंडेस कहता है अगर कोई इंफॉर्मेशन इमटीरियल है तो आपके पास चॉइस है, आप उसको जैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं. लेकिन उसमें भी इंडेस कहता है दैट इमटीरियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का ऑब्जेक्टिव कोई बायस्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करना नहीं होना चाहिए. इंडेस शब्द कहता है द मैनेजमेंट शुड नॉट यूज इमटीरियल आइटम्स टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. अचीव एन ऑब्जेक्टिव कुड बी एनीथिंग. इमटीरियल चीजों से मैं थोड़ी सी ट्रेंड बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कुछ तो वो परमिटेड नहीं है. तो ये एग्रीगेशन मटेरियलिटी ऑफसेटिंग की बात हो गई. फिर आते हैं अपन कंपैरेटिव्स, हमने डिस्कस कर लिया. गोइंग कंसर्न के बारे में इंडेस वन क्या कहता है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा. एस वन बोलता था गोइंग कंसर्न इज अ बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन. यानी ये मान लिया जाएगा कि एंटिटी चलती रहेगी. सही बात है भाई, अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है दैट वी आर गोइंग कंसर्न, चलते रहेंगे. कल हो ना हो ये सोच नहीं होती है, कल है तो परसों तो होगा, यही सोच के अपन काम करते हैं.
इसीलिए तो अपन 2000 रुपए में आर्टिकल शिप कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं गोइंग कंसर्न है, कल होगा बेहतर दिन, अच्छे दिन आएंगे, किसी और के आए नहीं आए, अपने तो आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका, हम मान के चलते हैं क्या कि बिजनेस तो चलते रहेगा, ऐसा कौन बोलता था? AS1 इंडेस वन ऐसा नहीं बोलता है। इंडेस वन बोलता है इट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस वेदर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट एंड इफ नॉट इट शुड अकॉर्डिंगली अकाउंट फॉर ऑल इट्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड गिव अ डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट। छोटी सी एक बात करते हैं दोस्तों, 2 मिनट देंगे यहां पर। AS में 3 बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस हुआ करते थे। क्या होते थे ये 3 अजम्पशंस? सर, गोइंग कंसर्न, अक्रूअल और कंसिस्टेंसी। क्या मतलब होता था इन बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस का? सर, इसका मतलब होता था कि ये तो माना जाएगा कि ये तो फॉलो हो ही रहे हैं, इसका मतलब कि ये तो मान के चलते हैं कि ये फॉलो हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इन्हें बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस क्यों बोलते थे? सर, ये बहुत ही फंडामेंटल थे। एक बात बताओ, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं था क्या? मनी मेजरमेंट बेसिक नहीं था क्या? वो बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस क्यों नहीं है? वो भी तो फंडामेंटल है। हाँ, बोलो बोलो। थे तो वो सारे ही बेसिक, तो ये 3 ही क्यों बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस बने? सर, हम बताते हैं। एक्चुअली ये 11वीं में ही बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस हो गए थे, और तब इतना नहीं सोचते थे कि ये 3 क्यों, तब तो सोचते थे 3 ही है ना, याद 3 ही रखना है। इन तीनों को बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि आपने अकाउंटिंग के जितने सारे अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस पढ़े होंगे, सेपरेट एंटिटी, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, मैचिंग प्रिंसिपल, पीरियोडिसिटी, जितने जमाने भर के आपने नियम कायदे कानून पढ़े हैं दोस्तों, वो सारे के सारे नियम कायदे में सिर्फ ये 3 ऐसे प्रिंसिपल हैं जिन्हें बिना फॉलो किए भी अकाउंटिंग की जा सकती है। यू कैन डू अकाउंटिंग विदाउट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन। एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है तो भी अकाउंटिंग होगी, अलग तरह से होगी। सारी असेट्स को अपन इन्वेंटरी टाइप एनआरवी पे शायद लेकर आ जाएंगे। इंडेस 105 बात करता है क्या करना अगर आपकी एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है। इंडेस 36 इंपेयरमेंट बात करता है कैसे इंपेयरमेंट लॉस बुक करना जो एंटिटी बंद होने वाली है। अगर आपकी एंटिटी अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो नहीं करी, कोई बात नहीं, कैश से अकाउंटिंग कर लो। अगर आपकी कंपनी कंसिस्टेंसी, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो नहीं कर रही, कोई बात नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का ट्रीटमेंट दे दो सही सही और डिस्क्लोजर दे दो। पर आपकी एंटिटी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट फॉलो नहीं करे, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी एंटिटी बोले हम मनी मेजरमेंट फॉलो नहीं करेंगे, हम तो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। BCCI बोले भाई हमारी तो बुक्स में अब असेट साइड में बकायदा हम लिखेंगे, हमारी असेट कोहली जी, धोनी जी, लाइबिलिटी नेहरा जी, ऐसा नहीं चलेगा। यू कैनॉट हैव एक्सेप्शंस टू अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स के एक्सेप्शंस होते थे दोस्तों। इंडेस में ये बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन का फंडा ही खत्म कर दिया। इंडेस ने बोला कोई बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है, सारे के सारे अकाउंटिंग के सिद्धांत आपको फॉलो करना है, नहीं फॉलो करे तो डिस्क्लोज करना, ऐसा कोई नियम नहीं है। और सुनो, गोइंग कंसर्न कोई अजम्पशन नहीं है, मैनेजमेंट को प्रूफ करना है, उसके लिए टेस्ट करना होगा और एस्टेब्लिश करना होगा कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, नहीं है तो डिस्क्लोज करो, अकाउंटिंग चेंज करो। अक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करना कंपलसरी है। इंडेस फॉलो करने वाली एंटिटी कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं कर सकती। मुझे बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुमको अलाउ करते थे कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करना? करते थे या नहीं? हाँ करते थे, बस डिस्क्लोज करना होता था, हम अक्रूअल नहीं कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। मुझे बताओ, तुम कैश बेसिस फॉलो करोगे तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई कर पाओगे? कोई नहीं कर पाओगे, डिस्क्लोजर वाले छोड़ के। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग होगी। प्रोविजन इंडेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत ही नहीं है प्रोविजन की, क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग है। डेप्रिसिएशन बुक करोगे क्या कैश बेसिस में? कभी सोचो कैश बेसिस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे फॉलो होंगे? संभव ही नहीं है। इंडेस ने बोला बॉस अलाउड ही नहीं है, पॉइंट दिया है साफ, गोइंग कंसर्न के बाद अक्रूअल इज मैंडेटरी फॉर एनीबॉडी हू इज फॉलोइंग इंडेस। हाँ, कंसिस्टेंसी की जहां तक बात है, ऑब्वियसली पॉलिसी में, अकाउंटिंग पॉलिसी में आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं। कृपा करके ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस लाने के लिए इंडेस 8 लगेगा।
यानी अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर्स कहाँ पे देना है आपको इंडेस वन में, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उन चेंजेस की अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर आपको कैसे देना होगा, ऑल दैट इज समथिंग विच विल बी गिवन इन इंडेस 8, वहां पढ़ेंगे। तो कंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कशन वहां होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग क्या होगी, बहुत बढ़िया, इंडेस ने साफ बोल दिया है कि भैया आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग विल बी अ ईयर। आप उससे कंपेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मैक्सिमम आपको एक साल में एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होंगे। पीरियडिसिटी भी फिक्स कर दिया, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसे भी अब आपको कंपनीज एक्ट अलाउ करता है फर्स्ट ईयर छोड़ के जहां 15 महीने तक के अकाउंट्स बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी यानी रेगुलरली आपको हर साल एनुअली अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड देन रीस्टेटमेंट और रीक्लासिफिकेशन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोस्तों कुछ बैकग्राउंड है किससे रिलेटेड, हमारे इंडेस वन से रिलेटेड। इंडेस वन में देर आर कपल ऑफ फ्यू मोर थिंग्स विच आर गिवन, आई थिंक विच नीड्स अ डिस्कशन हियर, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हमारा आता है इंडेस वन में, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन रिलेटेड मैटर। करंट नॉन करंट क्या होता है दोस्तों, ये सब आप शेड्यूल 3 में पढ़ते हो, वो अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे एक छोटा सा कार्व आउट है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार जो स्टैंडर्ड है उससे हमने थोड़ा सा कुछ अलग किया है। दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और ये जो चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, आई स्ट्रांगली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस इन द एग्जाम। आपके स्टडी मटेरियल में इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हैं। इंस्टीट्यूट ने अभी 28 मार्च 2018 को जो IndAS सिलेबस का मॉक टेस्ट पेपर आपका लिया है उसमें भी इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, जो हमारी किताब का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 या 24 नंबर क्वेश्चन है। आई वाज सीइंग दैट पेपर, सो आई सॉ दैट पर्टिकुलर सेम क्वेश्चन देयर, एंड इट इज अ कार्व आउट, यानी इंटरनेशनल नॉर्म से हमने कुछ अलग किया है, तो ऑब्वियसली कोई बहुत पीछे इसके बड़ा कारण रहा होगा। छोटा सा मुद्दा है, अगर आपने कोई लोन लिया है तो नॉर्मली लोन अग्रीमेंट में थोड़ी बहुत ऐसी कंडीशंस होती हैं। कैसी कंडीशंस, कि अगर आपने इन कंडीशन का पालन नहीं किया, जैसे स्टॉक स्टेटमेंट नहीं भेजा या कोई रिटर्न नहीं भेजा या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी या कोई टर्म कंप्लाई नहीं करी, तो बैंक के पास पावर होगा कि वो आपसे पूरा का पूरा लोन इमीजिएटली ऑन डिमांड रिकवर कर सकता है। फिर भले ही वो एक प्रोजेक्ट लोन हो जो आपने 5-10 साल के लिए लिया हो, पर टर्म्स नॉन कंप्लायंस पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ब्रीच होने के कारण हम आपसे इमीडिएटली लोन का रीपेमेंट मांग सकते हैं। वो बात अलग है कि इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हाथी के दांत होते हैं दिखाने के, वाकई इसके कारण कभी बैंक आपसे पैसे वापस नहीं मांग लेगी। जैसे कि बैंक ने बोला कि अगर आपने प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है तो हर साल आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 सितंबर तक सबमिट करना है। अब आपने नहीं किए तो बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि नहीं करने पर पूरा का पूरा लोन इमीडिएटली रिपेबल हो जाएगा, पर वो बात अलग है कि ऐसा कभी होता नहीं है। और ऐसे भी हमारी भारत की बैंक तो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ध्यान रखती है लोगों का, और इनफैक्ट दोनों हाथ से पैसे बांटती है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास लीजिए, घूमिए फिरिए, और बहुत ज्यादा ले लिए तो परमानेंट घूम जाइए भारत के बाहर। मुद्दे की बात यह समझो, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन दिखाने की ज्यादा है, फॉलो करने की कम। अब यह हुआ कि मैंने एक लोन लिया, उसकी एक टर्म थी, वो टर्म मैंने कंप्लाई नहीं करी, बैंक के पास पावर आ गया। क्या पावर आ गया, कि वो लोन मुझसे आज मांग सकती है। अब अगर आप करंट लाइबिलिटी की परिभाषा पढ़ोगे तो करंट लाइबिलिटी की परिभाषा में अगर आप रूल 1, 2, 3, 4 पर आओगे तो रूल 4 बोलता है कि अ लाइबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज करंट इफ इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द एंटरप्राइज टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। एक लाइबिलिटी को तब करंट माना जाएगा जब एंटिटी के हाथ में उसको 12 महीने से पीछे धकेलने का ऑप्शन नहीं है। यानी अगर आपके हाथ में ऑप्शन नहीं है कि आप उसको 12 महीने से भी आगे धकेल सको तो वो करंट लाइबिलिटी है। टेक्निकली स्पीकिंग, लीगली बैंक के पास राइट आ गया है कि वो चाहे तो आपसे कल पैसे मांग सकती है, यानी आप इसको धकेल नहीं सकते। बट आपने लोन लिया था 5 साल के लिए जिसको पेमेंट करना है 5 साल बाद। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे मैं करंट क्लासिफाई कर दूं, क्योंकि लीगल राइट तो है बैंक के पास पैसा आज मांगने का और मैं मना नहीं कर पाऊंगा। IFRS बोलता है हाँ इसे करंट मान लो। इंडिया में हम बोलते हैं नहीं यार, ये तो बैंक की बात है, बैंक से हमारे संबंध अच्छे रहते, हम इसे कोई करंट वरेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे रहने देते। तब इंडेस क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। इंडेस बोलता है इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द टर्म्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन व्हिच इज अदरवाइज क्लासिफाइड एज नॉन करंट,
नॉन करंट लाइबिलिटी के कोई भी प्रोविजन का अगर ब्रीच होता है जिससे कि आपका लोन रीपेबल ऑन डिमांड हो जाता है, तो पहला सवाल क्या ये मटेरियल ब्रीच है या माइनर ब्रीच है। माइनर यानी ऑफन नॉर्मली बैंक इसको एक्सरसाइज नहीं करेगी, पेमेंट नहीं मांगेगी। माइनर ब्रीच है इग्नोर कर दो, मटेरियल ब्रीच है, क्वेश्चन साइलेंट है तो अज्यूम करना मटेरियल ब्रीच है। अगर वो मटेरियल ब्रीच है तो क्या करेंगे उस पर्टिकुलर केस में, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल से पहले तक अगर आप बैंक से एक्सटेंशन ले आते हैं, यानी कि 31 मार्च बैलेंस शीट डेट है, से फॉर एग्जांपल 14 फरवरी को हमें कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, 14 फरवरी का पावन दिन डॉक्यूमेंट देने का थोड़ी ना होता है, दूसरी चीजें हमारे जीवन में हम नहीं कर पाए, 31 मार्च आ गई नहीं कर पाए, प्रैक्टिकली बैंक पूरा लोन चाहे तो मांग सकती है और इट्स अ मटीरियल मैटर। तो अगर 31 मार्च तक आप बैंक से एग्जम्पशन नहीं ला पाए कि यार बैंक की गलती हो गई माफ कर दो हम दे देंगे आपको पर आप लोन मत वापस मांगना, इस तरह का अगर आप बैंक से कंफर्मेशन नहीं ला पाए, इंडेस बोलता है कोई बात नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल तक भी अगर आप ऐसा कंफर्मेशन लेकर आ गए तो उस केस में हम इस लोन को नॉन करंट क्लासिफाई करने की परमिशन देते, IFRS में ऐसा नहीं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है आपको कि अगर ब्रीच ऑफ प्रोविजन, ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज हैपेंड बिफोर द बैलेंस शीट डेट, देन इट विल मेक द लोन करंट इफ इट इज अ मटेरियल ब्रीच, बट यू कैन कंटिन्यू द नॉन करंट क्लासिफिकेशन इफ यू हैव गॉट एन एग्जम्पशन फ्रॉम द बैंक wherein you will not be required to repay the liability in the next 12 months. ध्यान रखना इस पर्टिकुलर प्रोविजन में आप बैंक से एग्जम्पशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल तक ला सकते हो, यानी 31 मार्च की बैलेंस शीट अगर 15 मई को अप्रूव हुई है तो 15 मई तक अगर बैंक के साथ ऐसा समझौता गठबंधन हो गया तो आप उसको नॉन करंट दिखा सकते हो, अदरवाइज उसे करंट में लाना। ये प्रोविजन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बड़ी ही क्वांटिटी के लोन होंगे, ये नॉन करंट से करंट में आने में आपकी पूरी लिक्विडिटी की इक्वेशन को बिगाड़ सकते हैं। क्विकली मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, असेस करना समझते जाना सही गलत क्या है। पहली बात, 31 मार्च से पहले मटीरियल ब्रीच हुआ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल 15 मई से होने से पहले 30 अप्रैल को मैं बैंक से समझौता करके आ गया और बैंक ने बोला चलो हम आपसे पूरा लोन रीपे नहीं करवाएंगे, क्या मैं इसे नॉन करंट क्लासिफाई कर सकता हूं? यस, पहला सवाल। दूसरा सवाल, 31 मार्च से पहले ब्रीच हुआ, 15 अप्रैल को मैं बैंक से समझौता कराया और बैंक ने बोला अगले 6 महीने तक तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे, 6 महीने बाद तुमसे पैसे मांग सकते हैं, क्या ये नॉन करंट होगा? नहीं, ये करंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्रीच हुआ है और आपने बैंक से समझौता करके सिर्फ 6 महीने का एक्सटेंशन लिया है, यानी 6 महीने बाद बैंक आपसे पैसा मांग सकती है, यानी ये करंट है, यानी बैंक से एक्सटेंशन हमें कम से कम बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के बाद की डेट का चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 मार्च के बाद ब्रीच हुआ, 10 अप्रैल को ब्रीच हुआ और 15 मई अप्रूवल तक मैं ब्रीच का कोई समझौता नहीं कर पाया, अब क्या मैं इसे करंट क्लासिफाई करूंगा? नहीं, ये नॉन करंट रहेगा क्योंकि 31 मार्च से पहले ब्रीच होता है तो ही ये प्रोविजन लगते हैं, उसके बाद होगा तो इट इज एन इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, आप ज्यादा से ज्यादा इसका डिस्क्लोजर देंगे। इज दिस क्लियर? वन इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर मैटर विच इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट हैपेंस विद लोन्स विच आर रीपेबल ऑन डिमांड बिकॉज देयर हैज बीन अ मटीरियल ब्रीच इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स दोनों में सेम मटेरियल है, फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, न्यू कोर्स का मटेरियल थोड़ा ज्यादा सुंदर है ओल्ड कोर्स के बनिस्पत, पॉइंट सारे के सारे सेम है, एक एक करके अब अपन सारे डिफरेंसेस पढ़ेंगे। इंडेस वन में हमें थोड़ा बैकग्राउंड ज्यादा बनाना पड़ा क्योंकि ये बेस है हमारा, इंडेस 2-7 जो हमारे इन्वेंटरी कैश फ्लो से रिलेटेड है वो कंपेरेटिवली काफी कुछ एक समान है। चलिए सबसे पहला एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। चलिए इंडेस क्या कहता है दोस्तों, इंडेस वन कहता है अगर आप सारे के सारे इंडेस फॉलो करते हो तो उस केस में आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये स्टेटमेंट देना होगा
ki we have complied with all the IndAS. In fact, you will have to write these financial statements have been prepared as per IndAS. और अगर आप इस तरह की लाइन दोगे तो ही माना जाएगा कि आपके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस हैं, अदरवाइज नहीं मानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस हैं, यानी इस मुद्दे के लिए ऑडिटर को रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगी। ये स्टेटमेंट मैं कब दे सकता हूं सर? जब आप सारे इंडेस फॉलो करोगे, सारे वो जो हमारे पर एप्लीकेबल है ऑब्वियसली। सर मैं सारे इंडेस फॉलो करता हूं पर आई डोंट वांट टू फॉलो वन पर्टिकुलर इंडेस, लाइक से फॉर एग्जांपल मैं इंडेस 18 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का फॉलो नहीं करना चाहता, बाकी सब करना चाहता हूं, क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूं? दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस एक्सेप्ट रेवेन्यू। नहीं, स्टैंडर्ड में जो भाषा यूज की गई है वो कहती है यू हैव टू मेक एन अनरिजर्व्ड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट of compliance with IndAS. Unreserved explicit statement देना है कि हमने सारे के सारे IndAS का पालन किया है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने एक unreserved statement दिया, बाद में फिर auditor ने check किया और उसने देखा कि अरे यहाँ पे तो IndAS follow नहीं हुआ है, तो वो अपनी report modify कर देगा। उसमें ये नहीं माना जाएगा कि आपने IndAS 1 के इस provision का compliance नहीं किया, यानी financial statement will be treated as per IndAS. However, there will be a modification in the auditor's report. यानी यू समझ लीजिए कि हमने supplementary के साथ exam pass कर ली, तो BCom दी, pass भी हो गए पर supplementary आ गई, पर यह नहीं माना जाएगा कि हम disqualify हो गए exam देने के लिए। तो सारे IndAS follow करोगे, statement लिखोगे, और ऐसा स्टेटमेंट अनरिजर्व्ड एक्सप्लिसिट होगा जो बोलेगा कि हमने एज पर इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो ही माना जाएगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस हैं, तो ही कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 133 की, दैट कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर कंपनीज इंडेस रूल्स 2015 हैव प्रिपेयर्ड और हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज नकास द बॉडी। ये रिक्वायरमेंट पूरी तभी मानी जाएगी जब आप ये स्टेटमेंट दोगे। क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में आ सकता है, नहीं दिया ऑडिटर क्या करेगा? सीधे बोल के आना कि क्वालिफाई करेंगे, इंडेस वन में साफ साफ ऐसा बोला गया है, ऐसा सर ने रिवीजन लेक्चर में भी बताया था, लिख के आना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन। इंडेस वन करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन देता है, एएस वन में दूर दूर तक इसकी कोई बात नहीं की गई थी, बस ये डिफरेंस है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसका डिस्कशन दोस्तों होगा इंडेस 8 जब हम पढ़ेंगे, हालांकि यह मुद्दा कवर इंडेस 1 में ही किया गया है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स ये क्या होता है? एक्स्ट्रॉर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, डेफिनेशन पे जाएं तो इंडेस में तो परिभाषा ही नहीं है, एएस में जरूर थी। व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स को डिफाइन करते थे, आइटम्स दैट आर इन फैक्ट इनकम्स और एक्सपेंसेस दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी operations. यानी वो बोलते थे कि जो दूर दूर से ऑर्डिनरी operations से रिलेटेड नहीं है वो extraordinary है। तो भाई ऑर्डिनरी क्या है? तो बोलते थे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर डे टू डे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इंसिडेंटल टू फर्दरेंस ऑफ और सपोर्टिंग टू द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। यानी घुमा फिरा के आपने कैश फ्लो पढ़ा होगा आईपीसीसी में, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग से आती थी ना, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग ये सारी एक्टिविटी ऑर्डिनरी है, उसके अलावा कोई अलग से चीज हुई तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, या हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड लीगल केस लग गया, उसमें कोई नुकसान हो गया, नेचुरल कैलामिटी से कोई लॉसेस हो गए, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नथिंग रिलेटिंग टू माय बिजनेस। अब दोस्तों समझिए, इसमें बड़े झगड़े होना शुरू हो गए, क्यों? समझो, बैड डेट्स क्या है मुझे बताओ। चलो मैंने डेटर को माल बेचा, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी? सर ऑर्डिनरी। डिस्काउंट पर दिया? सर ऑर्डिनरी। मैंने डिस्काउंट नहीं दिया, उसने ले लिया, मतलब बैड डेट्स हो गई? सर ऑर्डिनरी। मेरी बैड डेट माल्या जी और नीरव मोदी के कारण हुई है, उनको मैंने माल बेचा था उधारी पर और वो पैसा लेकर भाग गए, ये ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? सर बैड डेट तो ऑर्डिनरी होता है। मैंने माल बेचा चाइना की किसी कंपनी को और मोदी जी और वहां के प्रधानमंत्री साहब, प्रेसिडेंट साहब के हो गए कुछ पंगे,
मोदी जी भाषण लेने गए वहां पे और जनता इकट्ठी नहीं हुई, मोदी जी को बुरा लग गया, उन्होंने चाइना को शत्रु देश घोषित कर दिया। सारे हमारे उन दोनों के बीच में क्या हो गए, सारे के सारे तालमेल, सारी बातचीत बंद, हमें दिक्कत हो गई, हमने जिसको माल बेचा था वो पैसे देगा नहीं, बिकॉज इट इज एन एनिमी कंट्री, ऑल ट्रांजेक्शंस आर सस्पेंडेड, मेरा पैसा डूब गया, मैंने तो बैड डेट बुक करी, बट ये बैड डेट का कारण दो कंट्रीज के पॉलिटिकल रिलेशंस खराब होना हुए, ये बैड डेट ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? सर ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती है, सही बात है, यानी बैड डेट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर। अब इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वर्कमैन की फैक्ट्री में डेथ हो गई, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी? सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑब्वियसली बात है, डेथ हुई है, कंपनसेशन क्लेम देना पड़ा होगा, तो ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हाँ अरे पर सुना ही नहीं तुमने, हमारा कोयले की खदान है जहां पे माइनिंग होती है, और उस माइनिंग में हर साल 5-10 वर्कर की डेथ हो जाती है, और हमने कंपनसेशन भी फिक्स कर रखा है कि किसी वर्कर की डेथ हुई तो 25 लाख रुपए हर्जाने के रूप में फैमिली को दिए जाएंगे। कई सारे बुजुर्ग तो दाखिला ही इसलिए ले रहे हैं, अरे ऐसा नहीं बोलते। अब एक बात बताओ, हर साल 5-10 डेथ हो रही है तो क्या ये कंपनसेशन को ऑर्डिनरी में डाल दे? मुद्दे की बात समझ में आई? एक लॉजिक तो यह है कि कभी भी डेथ का लॉस किसी भी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी तो नहीं हो सकता दोस्त, अनलेस अपन अलकायदा वगैरह की बात करें, वो अकाउंटिंग करते नहीं होंगे, करते भी होंगे तो उनके खुद के एएस होंगे पाकिस्तान, खैर छोड़ो। मुद्दे की बात यह समझो आप कि ये बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है कि यार इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्डिनरी कैसे कैसे क्या कहां क्लासीफाई करें। लॉस ऑफ अर्थक्वेक ऑर्डिनरी है, पर हमारी जापान में एक ब्रांच है जहां हर रोज अर्थक्वेक आते हैं, हर रोज ज्यादा हो गया, हर साल आते हैं। इसके लिए इंडेस ने बोला इस झमेले में मत पड़ो, हटाओ एक्स्ट्राऑर्डिनरी को, इंडेस में सारी की सारी चीजें ऑर्डिनरी होती है, कुछ चीजें एक्सेप्शनल होती है। एक्सेप्शनल आइटम क्या होती है ये इंडेस 1 बताता है, जबकि एएस में वही चीज AS5 बताता था। AS5 बोलता था एनीथिंग विच इज ड्यू टू इट्स नेचर साइज और इंसिडेंस इंपॉर्टेंट मटीरियल टू बी डिस्कलोज, दैट आइटम शुड बी डिस्कलोज सेपरेटली। और शेड्यूल 3 बोलता था कि ऐसी आइटम को एक्सेप्शनल आइटम के नाम से स्टेटमेंट ऑफ PNL के फेस में दिखाया जाए। इंडेस भी बोलता है, कौन सा इंडेस? 1, दैट एनी इनकम और एक्सपेंसिस ड्यू टू इट्स नेचर साइज और इंसिडेंस इज सो मटीरियल दैट इट वॉरेंट सेपरेट डिस्कलोजर, इट शुड बी डिस्कलोज सेपरेटली। In the name of exceptional items, these items are disclosed. Exceptional item नाम Schedule 3 ने Division 2 ने ही दिया है, पर extraordinary item का पूरा concept ही खत्म कर दिया, वो सिर्फ AS में, INDAS में नहीं है, यानी INDAS में now ordinary, exceptional, finish, no extraordinary item। तो आपको लगता है bad debt जो आपके साथ हुई है वो बहुत ही exceptional, non-recurring है। नेचर साइज और इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ? एक तो नेचर उसका रेगुलर रूटीन नहीं है, फ्रीक्वेंटली रूटीनली वो नहीं होता है, साइज यानी अमाउंट बहुत बड़ा है, इंसिडेंस मेरी कंपनी पर उसका भारी इंपैक्ट है। ये तीन चीजों को ध्यान में रख के आप उसको सेपरेट डिस्क्लोज कर सकते हो इन द नेम ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स। चलिए तो ये हमारा डिस्कशन हुआ ऑन एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम जो इंडेस से हट गई है। डिस्क्लोजर ऑफ जजमेंट्स एंड अजम्पशंस मेड, If I ask you a question, बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या एस्टिमेट्स डिस्क्लोज करना होते थे? एस्टिमेट्स सर AS1 बोलता था डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, और एस्टिमेट्स के ऊपर AS5 था, पर वो तो बात करता था चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, यानी ऐसा कोई AS नहीं था जो कहता था कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिस्क्लोज करो, यानी पॉलिसी डिस्क्लोज करते हम पर एस्टिमेट नहीं। पॉलिसी डिस्क्लोज करने का मतलब ग्रेचुटी की हमारी पॉलिसी है कि हम अक्रूअल बेसिस पर एक्चुरियल वैल्यूएशन करके उसका प्रोविजन बनाते हैं, पर ग्रेचुटी में हम मानते हैं कि हमारा एम्प्लॉई 20 साल 25 साल 30 साल तक काम करेगा, ये एस्टिमेट है। ये एस्टिमेट डिस्क्लोज नहीं होता है, लेकिन पॉलिसी डिस्क्लोज होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या एस्टिमेट को भी डिस्क्लोज करना जरूरी है क्या? तो दोस्तों इंडेस में एस्टिमेट्स और जजमेंट्स को डिफरेंशिएट किया, ये पॉइंट बात कर रहा है जजमेंट्स की, पर अपन बात करेंगे एस्टिमेट और जजमेंट दोनों की। इस पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? जजमेंट, बात करेंगे एस्टिमेट और जजमेंट दोनों की, दोनों में फर्क क्या है। एस्टिमेट का मतलब है किसी चीज का अनुमान लगाना, टेक्निकल डेफिनेशन, फ्रेमवर्क ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है,
Estimates are approximations when precise information is not available. Framework of preparation of financial statement. जो भी आपके कोर्स में है, जिसके ऊपर अभी मॉक टेस्ट पेपर में एक सवाल भी पूछा गया, फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में क्या फर्क है? एनीवेज, फ्रेमवर्क कहता है एस्टिमेट्स क्या है? जब आपके पास प्रिसाइज जानकारी इंफॉर्मेशन ना हो तो आप अप्रोक्सीमेशंस का प्रयोग कर सकते हैं. दैट इज एस्टिमेशन, यानी अनुमान लगाना. जजमेंट क्या है? जजमेंट इज बेसिकली अ कोर्स ऑफ एक्शन विच यू प्लान टू टेक. जैसे कि उदाहरण के तौर पे, मैंने एक जमीन खरीदी, क्या मैं जमीन पर एक फैक्ट्री बनाने वाला हूं या इसको होल्ड करके रखूंगा, कीमत बढ़ेगी तो बेच दूंगा. ये आपका जजमेंट है, इसमें कोई अनुमान लगाने की बात नहीं है. हाँ, इस जमीन का मूल्य वैल्यू क्या है, ये एक अनुमान हो सकता है. तो अकाउंटिंग करते समय एस्टिमेट्स के साथ साथ जजमेंट्स भी लगते हैं. जजमेंट्स कहां लगते हैं? वेदर आई विल होल्ड इट इन द शॉर्ट टर्म और आई विल कंटिन्यू इट फॉर द लॉन्ग टर्म, वेदर आई विल कीप इट एज एन इन्वेस्टमेंट और आई विल यूज इट एज अ फिक्स्ड एसेट. दीज आर जजमेंटल इश्यूज. मेरी फॉरेन सब्सिडरी मेरे लिए इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है, जजमेंट है. ये इन्वेस्टमेंट मैंने क्या सिर्फ ब्याज कमाने के लिए किया है या मार्केट फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाने के लिए किया है? अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगाए एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मेथड लगाए, ये जजमेंट है. तो जजमेंट का डिस्क्लोजर इंडेस वन कहता है कि ऐसे कोई भी जजमेंट्स हैं जो सिग्निफिकेंट हैं आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी की चॉइस डिटर्मिनेशन के लिए, तो उसे डिस्क्लोज करो. एस्टिमेट हमें सारे डिस्क्लोज नहीं करना है, सिर्फ वो एस्टिमेट जिसमें अनसर्टेनिटी सिग्निफिकेंट होती है. एस्टिमेट्स विद सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, क्या मतलब अनसर्टेनिटी का? किसी अनुमान को हम कब बोलेंगे कि ये ज्यादा अनसर्टन है? जब उस अनुमान का आउटकम उससे बहुत ज्यादा डिफर कर सकता है. इसका मतलब पेपर बहुत टफ आ गया, भयानक टफ आ गया, और भयानक टफ पेपर आने के बाद जब आप बाहर आए तो आपको सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगी कि हमारे जैसे सबका बिगड़ा है. अब जब आप यहां पे एस्टिमेट लगाओगे कि यार मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, और आपने जोड़ा और आपने बोला यार 39 से लेके 51 तक कुछ भी आ सकता है, होता है ना, ये सही हो सकता है, गलत भी सही हो गया तो पूरे नहीं तो कुछ नहीं. यहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है. वहीं अगर पेपर आपका रिलेटिवली इजी होता तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होती. इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव परचेस्ड अ लैंड, और से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव परचेस्ड अ मोटर व्हीकल, गाड़ी खरीदी आपने, फोर व्हीलर, उसकी लाइफ में एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बहुत कम है. लेकिन अगर आपने एक फाइटर प्लेन खरीदा है या से फॉर एग्जाम्पल आपने एक शिप खरीदा है, तो उसकी लाइफ एस्टिमेशन में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो सकती है. हाई अनसर्टेनिटी वाले एस्टिमेशन को डिस्क्लोज इंडेस वन में करना है, ऐसा कहा गया. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस. दोस्तों, इंडेस वन कहता है कि आपको नेचर के बेसिस पर ही एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन करना है. ऐसे भी हम नेचर के बेसिस पर ही करते हैं. बस सर आप तो ये बता दो नेचर क्या होता है, बाकी तो समझ गए. नेचर का मतलब क्या होता है? यू विल नॉट क्लासिफाई द एक्सपेंस फंक्शनली बट बेस्ड ऑन द नेचर. फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करना मतलब एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये क्या है? फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन. किस फंक्शन का खर्चा उसमें डाल दिया, ऐसा कॉस्टिंग में करते हैं, यहाँ करना अलाउड नहीं है. नेचर बेस्ड ही होगा. नेचर मतलब एम्प्लॉई बेनिफिट से रिलेटेड है, या बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. तो ऑपरेटिंग यानी रॉ मटेरियल परचेज अलग आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग आएंगे, इसी तरह से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नेचर वाइज डिस्क्रिप्शन होगा. इससे रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बैलेंस शीट में जब मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो मैं करंट और नॉन करंट का करता हूं. स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में मेरा क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ एक्सपेंस के आधार पर होता है. तो बैलेंस शीट में करंट और नॉन करंट के अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या? जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आपने बोला फंक्शन बेस्ड नहीं करना और नेचर बेस्ड करना, तो क्या बैलेंस शीट में भी ऐसा कुछ है कि करंट नॉन करंट करना और कुछ और मत करना? आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फैक्ट. दोस्तों, करंट असेट की परिभाषा अगर मैं पढ़ूं तो चार नियम दिए गए हैं शेड्यूल 3 डिविजन 2 में करंट असेट की परिभाषा के.
जिसमें आपका एक नियम कहता है कि एन असेट विल बी ट्रीटेड एज करंट इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड सोल्ड और रियलाइज्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. सेकेंड, इट इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग. थर्ड, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. एंड फोर्थ, इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड. पॉइंट नंबर टू कहता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जिसमें सारी इन्वेंट्री आ जाती है. इसका मतलब कि मेरी इन्वेंट्री हमेशा ट्रेडिंग के लिए है, इसका मतलब ये हमेशा करंट होगी. क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी कुछ इन्वेंट्री है जो नॉर्मल कोर्स में ना बिक पाए? हो सकता है. से फॉर एग्जाम्पल, मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है 6 महीने का, पर मैं कुछ ऐसे गुड्स बनाता हूं जो 6-6 साल में बिकते हैं. पॉसिबल है ऐसा? टाइटन कंपनी की जितनी भी घड़ियां 1 लाख रुपए से ऊपर की रेंज की होती है, उनका ऑपरेटिंग साइकिल 2 से 3 साल होता है, जबकि उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का है. तो वो घड़ियां भी किसके अंदर देखेंगी? बुक्स में. करंट. क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री इज ऑलवेज करंट, ये थंब रूल है. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, दिस इज नॉट रियली करंट, बिकॉज दिस इज नॉट रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, नीदर रियलाइजेबल इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, बट इन्वेंट्री हमेशा करंट, तो ये करंट में आ गई. तो दोस्तों, IFRS ने बोला कि अगर आपको लगता है करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन इनअप्रोप्रिएट है, तो आप लिक्विडिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन दे सकते हो. लिक्विडिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन का मतलब, हम चीजों को डेफिनेशन के आधार पे करंट नॉन करंट नहीं करेंगे. हम असेट साइड में शुरू करेंगे सबसे लिक्विड असेट्स और नीचे जाएंगे सबसे इलिक्विड असेट्स. जैसा बैंक की बैलेंस शीट में आप देखोगे, बैंक में सबसे ऊपर आता है कैश एंड बैंक बैलेंस, बैलेंस विद RBI, मनी एट कॉल, नोटिस, शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, अदर असेट्स, फिक्स असेट्स एंड अदर असेट्स. लिक्विडिटी बेस्ड, सबसे लिक्विड से सबसे कम लिक्विड. ऐसा प्रेजेंटेशन करना IFRS में अलाउड है, IndAS 1 में अलाउड है, लेकिन शेड्यूल 3 में अलाउड नहीं है. भारत में कंपलसरी है आपको करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन यूज करना है. IndAS 2 ऑप्शन देता है, करंट नॉन करंट या लिक्विडिटी बेस्ड, लेकिन शेड्यूल 3 बोलता है हमें करंट नॉन करंट बेस्ड चाहिए. दोनों की बात मानने के लिए अब हमें करंट नॉन करंट ही करना होगा. IndAS 1 बोलता है कि अगर आप कभी करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, पर आपको लगता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपको लगता है कि आपके करंट असेट में कोई ऐसा करंट असेट छुपा है जो 12 महीने के अंदर रियलाइजेबल नहीं है और उसकी मटीरियल वैल्यू है, आपको नोट्स टू अकाउंट्स में उसका डिस्क्लोजर देना होगा कि दिस करंट असेट इज नॉट लिक्विड. और ये नियम भारत में भी लगता है. तो एनी करंट असेट which you think is not realizable within 12 months is of material value, in the notes to accounts you should say it is current but it is not liquid. चलिए, ये particular clarify, in fact ये particular difference liquidity वाला यहाँ पे differences में नहीं है, but अपना objective इसको पढ़ने के साथ साथ IndAS का भी एक overview लेना है, that is why I am covering all the points. exam में इतने points आप लिखते हैं, this is sufficient. कंपेरेटिव बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया, AS1 में कोई ऐसी बात नहीं होती थी कंपेरेटिव फिगर दो, लेकिन यहाँ पे बोला गया कंपेरेटिव बैलेंस शीट दो, और रीस्टेटमेंट है तो आपको 3 बैलेंस शीट देना पड़ेगा. डिस्क्लोजर ऑफ रीक्लासिफाइड आइटम पढ़ा था अपन ने, रीक्लासिफिकेशन OCI से PRL में अगर आप करेंगे तो आपको नोट्स में डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपको पता होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम बैलेंस शीट, SPL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं बनता. शेड्यूल 3 डिवीजन 1 जो उन एंटिटीज पे लगता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट नहीं है. शेड्यूल 3 डिवीजन 2 जो IndAS फॉलो करने वाली एंटिटी का फॉर्मेट बताता है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट दिया गया है. और IndAS 1 बोलता है कि हर कंपनी जो IndAS फॉलो कर रही है उसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना पड़ेगा. कंपनीज एक्ट में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परिभाषा में लिखा हुआ है, कंपनी हैज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, SPL, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल. इसका मतलब हर कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं. तो ये भी एक डिफरेंस हो गया AS1 और IndAS1 में. सिमिलरली स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो अपन ने डिस्कस किया था, हम पुराने जमाने में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते थे जिसमें नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आता था आखिरी में. अब यहाँ पे प्रॉफिट आने के बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है, और प्रॉफिट और लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का टोटल कहलाता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो रिस्पेक्टिवली उठ के जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में.
Then inclusion of comparative information, which we just discussed, and classification of long-term loan arrangement. ये जो मैंने आपको बात करी थी, जो एक carve-out भी है, balance sheet date के बाद भी अगर आप जुगाड़ से ले आए कि bank हमसे 12 महीने तक loan का repayment नहीं मानेगी, जबकि एक material breach उससे पहले हो चुका था, तो भी आप उसको non-current classify कर सकते हैं। बधाई हो दोस्तों, इसी के साथ हमारा किसका discussion पूरा होता है, IndAS 1, to my mind it is a very very important IndAS, that is why I have been a little elaborate. चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं अपन IndAS 2 valuation of inventories में. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का हमारा ये जो IndAS 2 है, ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से काफी कुछ मिलता जुलता है. ये खुशी की बात है. इसका मतलब बहुत ज्यादा समस्या हमारे लिए इस पर्टिकुलर IndAS में, या बहुत ज्यादा डिस्कशन हमें इस पर्टिकुलर IndAS में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो मैं अपनी फाइल खोल देता हूँ जिसमें मुझे एक ओवरव्यू तो मिल जाए, जिसको बेस बना के मैं आपको इन्वेंटरी की थोड़ी बहुत बातचीतें करके बता दूं. IndAS 2 किसके ऊपर है? इन्वेंटरी. ऐसे ही एक बात बता दो यार, थोड़े तो कंसेप्ट बता दो, इन्वेंटरी और स्टॉक में कोई डिफरेंस होता है क्या? हैं? अरे स्टॉक और इन्वेंटरी में कोई फर्क होता है क्या? सर क्या ही की है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक बोलते कि इन्वेंटरी बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है दोस्त? स्टॉक बड़ी चीज या इन्वेंटरी, विच इज अ वाइडर टर्म, स्टॉक और इन्वेंटरी? टेलीपैथी के थ्रू कुछ कुछ जवाब आपके मेरे पास आ रहे हैं, कुछ कुछ बातें मुझ तक पहुंच पा रही है, उनका आकलन करें इससे अच्छा फटाफट. सुपर क्विक रिवीजन है ये हमारा, फटाफट समझे दोस्तों. हर वो चीज जो आपने अपने पास रख रखी है वो स्टॉक है, लेकिन वो इन्वेंटरी नहीं है. स्टॉक इज अ वाइडर टर्म, इन्वेंटरी इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक. मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है मैच योर एक्सपेंस टू योर रेवेन्यूज, यानी जिसकी इनकम बुक हुई है उसका खर्चा बुक करो. इस लॉजिक से आज अगर सपोज समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने ये अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वॉल्यूम 1, मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू सिलेबस की वॉल्यूम 1 की ये से फॉर एग्जांपल 10,000 कॉपियां प्रिंट करा के रख दी. ये मेरे लिए तो एक एक्सपेंस है, मैंने प्रिंट करा के रख दी. लेकिन ये 10,000 कॉपी में से अभी अगर हम टोटल लगाएं तो पेन ड्राइव के हमारे कुछ 1,000 स्टूडेंट्स, वर्चुअल सेंटर्स इंदौर, ये सब मिला के देयर वुड बी एडिशनल सम स्टूडेंट्स. तो आप ये समझो कि 31 मार्च को मैंने देखा कि यार इसमें अभी भी 7,500 का स्टॉक बाकी है. मैंने खर्चा किया 10,000 का, 2 मिनट के लिए सिंपलिसिटी के लिए मान लो एक किताब 1 रुपए की है, 10,000 रुपए का खर्चा हुआ, 7,500 स्टॉक में. मैं मेरी बुक्स में इन्वेंट्री दिखा दूंगा 7,500 रुपीज की स्टॉक की, क्योंकि ये इस साल सेल नहीं हुई. इसका मतलब ये इस साल का क्या है, खर्चा नहीं है 7,500. लेकिन अगर ऐसा ही मैं ऑफिस की स्टेशनरी के लिए करता, प्रिंटर पेपर लेकर आया मैं, 10,000 रुपए के 2,500 के कंज्यूम हुए, 7,500 के बच गए, क्या मैं उसे अपनी बुक्स में इन्वेंटरी दिखा सकता हूं? क्योंकि खर्चा तो हुआ नहीं इस साल, 2 मिनट के लिए मान लो हमारे लिए वो मटीरियल है. क्या मैं उसे एसेट दिखा सकता हूं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हो, लेकिन उसे आप दिखाओगे एसेट किस नाम से? स्टॉक. क्या नहीं दिखाओगे? इन्वेंटरी. क्योंकि इन्वेंटरी की परिभाषा AS2 देता है, IndAS 2 देता है. इसकी परिभाषा में जो आएगा सिर्फ वही इन्वेंटरी कहलाएगा. यानी आप यू कह लीजिए, स्टॉक विच इज कवर्ड इन IndAS 2 और AS 2 इज इन्वेंटरी. और ध्यान रखना दोस्तों, स्टॉक का वैल्यूएशन का कोई सिद्धांत नहीं होता है, इन्वेंटरी के वैल्यूएशन का सिद्धांत होता है. इसका मतलब मैं स्टॉक को कभी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पर वैल्यू नहीं करूंगा. कौन सा स्टॉक? जो मैं प्रिंटर के पेपर लेकर आया था अपने ऑफिस यूज के लिए, क्योंकि उसकी क्या एनआरवी. लेकिन इस किताब की एनआरवी हो सकती है, इसके लिए कॉस्ट और एनआरवी का कॉन्सेप्ट इसके लिए रेलिवेंट है. यानी दोस्तों आपको मुद्दा समझ में आया, इन्वेंट्री इज यू कैन से डिफाइंड आइटम्स ऑफ स्टॉक आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, उसी के ऊपर ये पूरा IndAS लगेगा.
सबसे पहले डेफिनेशन एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी में डिफरेंसेस है इंडेस और एएस के बीच में, इसलिए अपने को ये अच्छे से पढ़ना होगा। डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल इन्वेंट्री में क्या आता है, वही सर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, शाबाश। इसके अलावा एनी मटीरियल विच इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर रेंडरिंग सर्विसेस, ये सब इन्वेंट्री में आएगा। इंडेस टू कहता है कि इन्वेंट्री में इसके अलावा पैकेजेस और एमटीज को भी शामिल कर देना, लेकिन इस इंडेस में कमोडिटी ब्रोकर जो ट्रेडिंग करने में इच्छुक रहते हैं उनकी इन्वेंट्री कमोडिटीज की इस इंडेस में कवर नहीं होगी, क्योंकि उसको नॉर्मली फेयर वैल्यू पर वैल्यू किया जाता है, बिकॉज दे आर मोर ऑफ स्पेकुलेटर्स। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या मिनरल्स की इन्वेंट्री है जिसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर वैल्यू किया जाता है एज पर इंडेस 41 एग्रीकल्चर, उसके ऊपर भी ये वाला इंडेस नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर आप शेयर वेयर में ट्रेड करते हो तो उस केस में आपके ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड लगेगा, ये वाला इंडेस आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि ये कहता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिनरल्स जिनको हम वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर करते हैं उनमें वैल्यूएशन के सिद्धांत इस इंडेस के नहीं लगेंगे, पर बाकी डिस्क्लोजर वगैरह के सिद्धांत इस इंडेस के लगेंगे, ऐसा कुछ एएस टू में कहा नहीं गया था। कमोडिटी ब्रोकर वाला एग्जम्पशन तो एएस टू में जरा भी नहीं था। बाकी चीजें सिमिलर हैं एएस टू और इंडेस टू में व्हेन रिस्पेक्ट और इट रिलेट्स टू एप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट, इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस। बहुत ही सिंपल सी बात है, बेसिक सा स्टैंडर्ड है, सबसे पहली चीज आईपीसीसी में भी एकदम बेसिक, न जाने क्यों उसके बावजूद भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। इंस्टीट्यूट ने जितने सवाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे पूछे, शायद उतने सवाल इंस्टीट्यूट ने, आप यूँ ले लीजिए, शुरू के आपके जो 14, 15, 16 बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे किसी पे भी नहीं पूछे, क्योंकि इंस्टीट्यूट को मालूम है ये वो वाले स्टैंडर्ड हैं जिनको स्टूडेंट एलिमेंट्री एलिमेंट्री बोल बोल के सुना सुना के छोड़ देता है। और इसी में इंस्टीट्यूट ने ऐसे बेहतरीन सवाल पूछे हैं कि अगर आप उनके क्वेश्चन के आंसर एग्जाम में पहली बार ढूंढने जाओगे ढूंढते रह जाओ। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। दोस्तों कॉस्ट और एनआरवी विच इज लेस, पहले बात करते हैं कॉस्ट की। इंडेस टू बोलता है कॉस्ट किस पर वैल्यू कैसे वैल्यू की जाएगी, तो सब कुछ एएस जैसा है। अब मैं यहां पे सिर्फ डिफरेंस की बात करूंगा। इंडेस टू कहता है कॉस्ट में परचेज कॉस्ट, ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग दी इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, टू ब्रिंग इट टू द मैनेजमेंट्स इंटेंडेड यूज, पोजिशन एंड कंडीशन, सॉरी लोकेशन एंड कंडीशन, ये सारी कॉस्ट उसमें ऐड होगी। प्लस कन्वर्जन कॉस्ट है तो ऐड होगी, अदर कॉस्ट लाइक बोरोइंग कॉस्ट अगर दूसरा इंडेस अलाउ करेगा तो ऐड होगी, बाकी एबनॉर्मल कॉस्ट, फिनिश गुड्स की स्टोरेज कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड नहीं होगी, एस टू जैसे ही है। जो एडिशनल बात इस इंडेस में कही गई है वो ये है कि अगर आपने कभी इन्वेंट्री को डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स पर परचेज किया, ये बोल के कि यार मैं इन्वेंट्री आज ले लेता हूं पर पैसे 2 महीने बाद दूंगा, सप्लायर ने बोला कोई बात नहीं 2 महीने बाद दे दो, हम तो सबको क्रेडिट देते हैं, तो ठीक है, पर आपने बोला 2 साल बाद पैसे दूंगा, सप्लायर ने बोला ऐसा है चलो ठीक है काम करो मैं इन्वेंट्री के लिए तुमसे क्या करूंगा थोड़े पैसे ज्यादा ले लेता हूं क्योंकि तुमको मैं उधार पे दे रहा हूं ना, तो तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे पैसे ज्यादा ले रहा हूं, एक काम करो 105 रुपए में मेरा ये माल ले लो 2 साल का उधार, जबकि वही माल वो 100 रुपए में देता है 2 महीने के उधार पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम क्या बोलते थे, परचेज तो 105 पे हुई है और क्रेडिट परचेज है तो 105 को परचेज बुक कर दो, लेकिन इंडेस बोलता है नहीं, आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा जो दिए वो डेफर्ड क्रेडिट के दिए, उसका नेचर इंटरेस्ट का है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फेयर प्रेजेंटेशन, हेंस आपको इन्वेंटरी 100 पे रिकॉर्ड करना और 5 का इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर 2 ईयर्स पीरियड बुक करना है। तो डेफर्ड क्रेडिट इन्वेंटरी में इंटरेस्ट एलिमेंट को इन्वेंटरी कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, ऐसा स्पेसिफिक इंडेस टू कहता है। दूसरा इंडेस टू जो अलग बात करता है एएस से, वो ये करता है कि इन्वेंट्री को कंज्यूम करने पे खर्चा बुक कर दिया जाएगा। सर वो तो करते ही है, हाँ, पर एएस ऐसा बोलता नहीं था, इंडेस ऐसा बोल देता है। ये दो कुछ कॉस्ट के मुद्दों पर डिफरेंसेस है। टेक्निक्स के बारे में अगर आप देखो तो दो टेक्निक होती है, एक तो मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या होते हैं, फीफो, वेटेड एवरेज, इंडेस भी ये दो अलाउ करता है, एएस भी ये दो अलाउ करता है। टेक्निक्स कुछ अलग बात होती है। टेक्निक्स क्या होती है, दो टेक्निक अलाउड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रिफर्ड है, वो ना हो पाए तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस या रिटेल सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस मेथड। टेक्निक क्या है, कॉस्ट निकालने के तरीके। एक बात बताओ,
अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या वो रोज सेम रहेगी या चेंज होगी? कल एक वर्कर आया था, आज नहीं आया, जबकि फिर भी प्रोडक्शन उतना ही हुआ, तो अगर आप आज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालोगे तो अलग आएगी। अब ऐसे में रोज रोज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं निकाल सकता, तो इसके लिए बोला है कि आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट ले सकते हो, यानी एक एवरेज कॉस्ट, कि यार हमारे पास एक्सपीरियंस है, स्टैंडर्ड हम देखते हैं तो कॉस्ट इसके आसपास आती है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये बेस लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड रीसेंट हो, अपडेटेड हो। पर एक चीज सोचो, आप बनाते हो अपनी फैक्ट्री में दवाई और आपके यहां बनती है 1000 तरह की दवाइयां। दवाई का मतलब मेरा मेडिसिन से है, कुछ लोगों के लिए और भी चीजें दवाई के रूप में आती है जिन्हें रिजल्ट डे पर काफी प्रयोग में लिया जाता है। खैर, हमारी कंपनी 1000 तरह की अलग अलग दवाई बना रही है, टेबलेट्स, कैप्सूल्स, और इन सबके पांच पांच वेरियंट्स हैं, 5 mg, 2 mg, 10 mg, कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में। एक फैक्ट्री में 5000 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। आपको बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री रेंट भी शामिल होता है एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री रेंट एक फिक्स्ड ओवरहेड है, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं। आप मुझे बताओ कि आप 5000 प्रोडक्ट में आप फैक्ट्री रेंट को अलोकेट कर पाओगे जब आपको यही नहीं पता है कि किस प्रोडक्ट का इस साल कितना प्रोडक्शन होगा? असंभव। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना असंभव। तो आप रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड पर जा सकते हो। व्हाट इज रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड? प्रोडक्ट की सेल प्राइस में से आपका जो नॉर्मल मार्जिन है प्रॉफिट का, वो हटा दीजिए ताकि आप उसकी कॉस्ट पे आ जाओ, जैसा आप सीपीटी में करते थे, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट भी सीओजीएस, सॉरी सेल प्राइस माइनस जीपी भी सीओजीएस होता था, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी सीओजीएस होता था। कॉस्ट से निकालना स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करना रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड। इंडेस सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा ये कहता है कि आप जो भी मेथड यूज करना चाह रहे हो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। ईएस में ऐसी कोई बात नहीं की जाती थी। नेक्स्ट, एनआरवी की बात करें, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है दोस्तों? सेलिंग प्राइस। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट। एएस2 बोलता था एनआरवी मतलब नेट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट, जबकि इंडेस बोलता है एनआरवी मींस फेयर वैल्यू माइनस डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट। तो एएस बोलता था सेलिंग प्राइस, इंडेस बोलता है फेयर वैल्यू। इसमें कौन सी बड़ी बात है, फेयर वैल्यू भी तो सेलिंग प्राइस ही होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन फेयर वैल्यू की डेफिनेशन इंडेस 113 में दी गई है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। और वो बोलता है व्हाट इज फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू इज द वैल्यू एट विच एन असेट कैन बी सोल्ड और अ लाइबिलिटी कुड बी सेटल्ड इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। फेयर वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर एक असेट को बेचा जा सकता है या एक लाइबिलिटी को सेटल किया जा सकता है एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच। यानी इंडेस 113 के अनुसार फेयर वैल्यू इज मार्केट प्राइस, जबकि AS2 के अनुसार सेलिंग प्राइस इज एंटिटी सेलिंग प्राइस। डिफरेंस ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार मेरी कंपनी माल कितने में बेच रही है, कितने में बेच सकती है, वो सेलिंग प्राइस है। इंडेस के अनुसार वैसा प्रोडक्ट मार्केट में कितने में बिक रहा है, वो सेलिंग प्राइस है। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एंटिटी स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस चलेगी, इंडेस में मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स की जो प्राइस चल रही है ऑफ सिमिलर ब्रांड वैल्यू ट्रेडमार्क वर्थ, वो प्राइस देखी जाएगी। तो ये एक छोटा सा नॉमिनल डिफरेंस है सेलिंग प्राइस के बारे में, बाकी फिनिश गुड्स के अदर्स के आपके सेम प्रिंसिपल्स हैं। और डिस्क्लोजर्स नॉर्मली आप देखोगे तो इंडेस में हमेशा थोड़े से ज्यादा ही मिलेंगे। आ जाओ यार अपन इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे आते हैं, चलो देखते हैं इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कितनी बातें करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के लेट अस सी द डिफरेंस। चलिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था इसके ऊपर एग्जाम में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के ऊपर, वो क्वेश्चन से रिलेटेड भी कुछ बात करते हैं। क्वेश्चन आया था, एक बार है और उस बार में लोग आते हैं और लोग आए, पिए, बॉटल रखी, चले गए, बॉटल ले गए, छोड़ गए, छोड़ गए, क्यों? भूल गए, आदमी आता ही भुलाने के लिए। अब वो बार ऐसी सारी बॉटलें इकट्ठी कर लेता,
और इन सबको इकट्ठा करके इनको बाद में स्टॉक वॉक लेकर बकायदा उसके ऊपर कंट्रोल करके फिजिकल वेरिफिकेशन करके टेंडर बुला के बेच देता। क्या ये खाली बॉटल इन्वेंट्री है? बताइए जनाब। हाँ सर है। क्या इसे कॉस्ट पर वैल्यू किया जाएगा या नेट सेलिंग प्राइस पर? तो बाय प्रोडक्ट्स पैकेजेस और एमटीज को नेट सेलिंग प्राइस पर वैल्यू किया जाता था, लेकिन लेकिन ये बाय प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू मटेरियल मानी गई थी। क्यों? क्योंकि इसका स्टॉक वेरिफिकेशन हो रहा था, अलग अलग समय पर इसके ऊपर अलग अलग कंट्रोल डाले जा रहे थे। इसका मतलब ये मटेरियल है, और जो चीज मटेरियल होती है हम उसे बाय प्रोडक्ट नहीं कहते। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, दो बार एग्जाम में भी पूछा, इनफैक्ट एक बार एग्जाम में पूछा उन्होंने। लेकिन इस क्वेश्चन से एक दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि यार रेस्टोरेंट के ऊपर क्या IS2 लगेगा? हाँ क्यों नहीं लगेगा, गुड्स तो है। मेरा सवाल है क्या रेस्टोरेंट गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज बेच रहा है? तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में कुछ और है, वो ये क्या सर्विस प्रोवाइडर्स पर IS2 लगता है? सर्विस प्रोवाइडर पर। इसका मतलब सर आप ये पूछ रहे हो कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइडर है, क्या हमारे CA के ऊपर IS2 लगेगा? यानी उसके यहाँ पे जो स्टॉक रखा हुआ है किसका, फाइल्स का, पेपर का, क्या इसके ऊपर IS2 लगेगा? तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ने कहा सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस ने कहा सॉरी सर्विस प्रोवाइडर पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा, लेकिन उसकी इन्वेंट्री पे लगेगा, वर्क इन प्रोग्रेस पे नहीं लगेगा। इसका मतलब CA के यहां पर अगर मटेरियल वैल्यू का स्टॉक रखा गया है जो इन्वेंटरी की परिभाषा में आता है, तो वो उसको AS2 के अनुसार वैल्यू करे। लेकिन अगर CA को सितंबर के महीने में कोई ऑडिट मिला किसी कंपनी का और मार्च तक उसने आधा ऑडिट कर दिया और आधा होना बाकी है, तो ये तो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। तो क्या ये वर्क इन प्रोग्रेस को अपन एज पर AS2 में वैल्यू करेंगे? नहीं, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस की अकाउंटिंग नहीं होगी। ये IndAS 18 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंतर्गत परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड मेथड या कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड में से किसी एक मेथड के अनुसार रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी सर्विस प्रोवाइडर की वर्क इन प्रोसेस का वैल्यूएशन IndAS 2 में कवर नहीं होता, AS में भी नहीं होता था, पर IndAS 2 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखोगे तो एक स्पेयर पार्ट की भी बात होती है। क्या स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी में आते हैं? तो दोस्तों अब स्पेयर पार्ट के मुद्दे में AS और IndAS में डिफरेंस नहीं बचा, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है। लेकिन एक चीज समझिए, IndAS 2 और AS 2 अब दोनों क्या कहते हैं? वो स्पेयर जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की परिभाषा में नहीं आते, उन्हें एज पर AS 2 स्पेयर माना जाएगा। यानी जो फिक्स्ड एसेट नहीं है वो स्पेयर है। पहले क्या होता था, AS 10 फिक्स एसेट्स का, IndAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से अलग होता था, पर हमारे AS 10 को भी अब रिवाइज करके PPE जैसा बना दिया, तो अब ये डिफरेंस खत्म हो गया। यानी क्या स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी है? तो आप ये बोल सकते हो कि जो PPE में कवर्ड होते हैं वो इन्वेंटरी नहीं है, जो PPE में कवर नहीं होंगे वो इन्वेंटरी की तरह वैल्यू किए जाएंगे। PPE में क्या कवर होता है? सिंपल है, वो स्पेयर पार्ट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके कंट्रोल में है, कॉस्ट मेजरेबल है, उसे आप अपनी बुक्स में PPE दिखा सकते हो, बाकी सब इन्वेंटरी। चलो डिफरेंस इंस्टीट्यूट के मटेरियल से देखते हैं। पहला सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, जो मैंने आपको बताया IndAS बोलता है इन्वेंटरी कंज्यूम करने पे खर्चा बुक करो, AS स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोलता। सर्विस प्रोवाइडर का वर्क इन प्रोग्रेस IndAS 2 से बाहर है, ऐसा स्पेसिफिकली कहीं भी नहीं कहा गया था AS 2 में। मशीनरी स्पेयर्स मैंने अभी आपको समझाया, बट अब इसका रिलेवेंस बचता नहीं है। इन्वेंट्री हेल्ड बाय कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स, एप्लीकेबिलिटी का डिफरेंस से कवर नहीं होगा। फेयर वैल्यू और NRV, NRV एंटिटी स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस बेस बनाता है, फेयर वैल्यू में मार्केट की सेलिंग प्राइस को लिया जाता है। सब्सिक्वेंट असेसमेंट ऑफ NRV, ओके हाँ हम ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड में, सोना, ऐसे भी है दुनिया पीतल दी है, तो हमने बोला गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। मैंने गोल्ड खरीदा 3,000 रुपये का 10 ग्राम, इसकी मार्केट वैल्यू गिर के हो गई 2,500 रुपये, 2,500, बहुत सारा लॉस बुक कर दिया। ये गोल्ड अगले साल तक पड़ा रहा और अगले साल इसकी मार्केट वैल्यू 2,600 रुपये थी,
2500 पे बुक्स में आ रहा है, अब 2600 हो गई है, क्या मैं 2600 पे ला सकता हूँ? नियम कहता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ना कि कैरिंग अमाउंट और एनआरवी विच एवर इज लेस। कैरिंग अमाउंट 2500 है लेकिन कॉस्ट 3000 है, इसलिए इसे 2600 पे लाया जा सकता है। ऐसा स्पेसिफिकली इंड एएस टू कहता है। एएस टू भी ये चाहता था पर कहता नहीं था, ये वो डिफरेंस है। इन्वेंट्रीज एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स, एग्जाम्पल लिया था मैंने, 2 साल का एक्सटेंडेड क्रेडिट लिया, उसके लिए प्राइस बढ़ गई, एक्सेस प्राइस को ब्याज नाम का खर्चा बुक करना, परचेज की कॉस्ट में नहीं जोड़ना। एक्सक्लूजन फ्रॉम इट्स स्कोप बट गाइडेंस गिवन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल, ये सब प्रोडक्ट को एक्सक्लूड किया है, लेकिन बोला भी गया है कि इनकी वैल्यूएशन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर होगी, बाकी सारे प्रोविजन लाइक डिस्क्लोजर वगैरह इस इंडेस के लगेंगे, ऐसा एएस में नहीं बोला गया था। कॉस्ट फॉर्मूले में बोला है यार भाई जो भी यूज करो ना कंसिस्टेंटली यूज करना, चेंज मत करते रहना, फीफो वेटेड एवरेज रिटेल सेल प्राइस स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, जो भी डिस्क्लोजर्स थोड़े ज्यादा होते हैं। इसी के साथ हमारा एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस का कंपैरिजन पूरा होता है, इंडेस 2 एंड एएस 2। चलिए अब इसके बाद क्विकली हम लोग लेते हैं इंडेस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या इसमें और एएस में कोई डिफरेंस है क्या दोस्तों? कोई बहुत भारी भरकम किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट देयर इज वन पर्टिकुलर डिफरेंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड रिमेंबर, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आरटीपी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। मई 2018 की आपकी जो एफआर न्यू सिलेबस की आरटीपी है, उस आरटीपी में कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर इंड एएस 7 के अनुसार एक एडजस्टमेंट, एक ट्रीटमेंट पूछा गया है, जो ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग होता था और इंड एएस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग होता है। सर ये क्या आप कभी मॉक टेस्ट पेपर की बात करते हो, आप कभी आरटीपी की बात करते हो, ये सब पढ़ लिया है क्या आपने? आपकी एग्जाम है, हमारी एग्जाम है। अब दोस्तों इंस्टीट्यूट का कोई भी मटेरियल तो हम छोड़ते ही नहीं है, इस मामले में तो ये तय है। एफआर की किताबें हैं दोस्तों ऐसी, दो वॉल्यूम है हमारी। वी हैव कवर्ड 1089 क्वेश्चंस, every question of the institute has been covered in this new syllabus material, every question, unless repetitive question hame lage aur hame laga samay ki unnecessarily dekha jaye to investment hoga, to fir humne usko club kar diya, exclude kar diya, but this is a point, kyun? kyunki hamare paas dosto abhi bahut zyada sample nahi hai, paper bhi nahi hua hai, isliye it is important ki hum institute ke koi material ko na chhode। 28 march ko aapka mock test paper hua, I saw that particular paper. I have also recorded a lecture on analysis and discussion of that paper, which will be uploaded on YouTube very shortly. RTP का पूरा एक analysis, उसके सारे questions के ऊपर discussion, दो तीन अच्छे questions के solutions, वो भी सब मैंने करके ready कर दिया। Obviously बात है आपके पास समय की कमी होगी, but this material is available. आप उठा के क्या कर सकते हो, जो भी आपको वीडियो लगे काम का उसको उठाइए। और मैंने एक चीज जरूर करी है, जो भी चीज मैंने कवर की है सब सीक्वेंस में कवर की है। मैं चाहता तो इंडेस इंपॉर्टेंट पहले लेके बाद में दूसरे ले सकता था, बट मैंने सोचा कि मैं 1 2 3 करके चलता हूं, ताकि किसी स्टूडेंट को अगर बीच में लगता है कि यार मुझे सीधे इंडेस 12 में डाउट है, तो आप वीडियो को अकॉर्डिंगली उतना आगे बढ़ा के सीधे इंडेस 12 पर जाके उसको देख सकते हैं। सो आई हैव गॉन इन द सीक्वेंस, आपको जो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वीडियो काम का लगे आप वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वीडियो देख सकते हैं। The objective is everything should be available with us, so that if we have any kind of doubt, these lectures are available to you at any point of time. You can log into it and you can see it. इसलिए in fact आप Fast Education का channel subscribe करके रखो, क्योंकि आने वाले एक महीने में बहुत सारे relevant videos में share करूँगा, आपको notification आ जाएगा उसके द्वारा कि ये नया video आया है, ताकि आपके back of the mind में रहेगा। सारे video downloadable format में रखते हैं, ताकि आप download करके जब जैसी जरूरत पड़े उस तरह से आप अपने videos को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो नाउ आई वाज एक्चुअली कमिंग ऑन टू द इंड एएस 7 व्हिच इज ऑन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंड एएस की अगर हम बात करें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमारे इंड एएस में वही ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वही सारी बातें होती हैं। बेसिकली डेफिनेशन, दो मेथड और डिस्क्लोजर्स, राइट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, कोर बिजनेस एक्टिविटीज, एक्सक्यूज मी,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन अदर देन कैश इक्विवेलेंट्स और उसके ऊपर इनकम एक्सपेंस. फाइनेंसिंग एक्टिविटी एनीथिंग विच चेंजेस योर फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट और बोरिंग एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड टैक्स वगैरह ऑन अबव. कैश इक्विवेलेंट्स रेडिली रियलाइजेबल कन्वर्टेबल इन टू कैश विद इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू. एक बेसिक रूल, कोई भी चीज जिसमें कैश का लेन देन नहीं होगा वो कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी. इसका मतलब अगर आपने फाइनेंस लीज पर कोई एसेट खरीदा, कैश फ्लो में नहीं आएगा, पैसे का लेन देन नहीं हुआ. उधारी पे एसेट खरीदा वो तो आता ही नहीं है, फाइनेंस लीज पे खरीदा तो भी नहीं आएगा. फाइनेंस लीज में जब आप लीज रेंटल पे करोगे तो वो उसे इन्वेस्टिंग मानेंगे या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग मानना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो एक फाइनेंसिंग लीज का रीपेमेंट है, लोन का रीपेमेंट. वहीं आप लोन लेके एक फिक्स एसेट खरीदते, सप्लायर को पैसे देते, तो फाइनेंसिंग इनफ्लो, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो. फिर जब लोन रीपे करते तो फाइनेंसिंग आउटफ्लो होते रहता, क्योंकि फाइनेंस लीज पर आपने सप्लायर से ही एसेट खरीदा है, तो इसलिए कोई इनफ्लो कोई आउटफ्लो हुआ ही नहीं. अब जो आउटफ्लो होगा वो पूरा फाइनेंसिंग आउटफ्लो होगा. तो जितनी भी तरह की अलग अलग एक्टिविटीज है, इनको आपको इनमें से किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई करना होगा. प्लस मेथड आप कौन सा यूज करेंगे, आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से दिखा सकते हैं. बाकी सारे कैश फ्लोज को आपको कंपल्सरली डायरेक्ट मेथड से ही दिखाना होता है. AS IndAS दोनों यही बात करते हैं. एक बात जरूर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आखिरी में अपन एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स ले आते थे, यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डनरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी वो फंड ही खत्म हो गया. इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है दोस्तों, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया हुआ है RTP में, वो ये है. सुनिए, अगर आपने सब्सिडरी में कोई इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा. सब्सिडरी के शेयर खरीदे कहेंगे इन्वेस्टिंग, शेयर बेचे इन्वेस्टिंग. इंडेस कहता है कि जब आप कोई सब्सिडरी या कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन में पैसे लगाते हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, तो क्या दूसरी कंपनी जिसे हमने एक्वायर किया है, क्या उसके कैश फ्लोज भी हमारे पास आ जाएंगे क्या? और उस कंपनी के जब कैश फ्लोज हमारे पास आ जाएंगे, कैश फ्लोज का मतलब कैश इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएंगे, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग x एक्वायर्ड y फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख इन कैश, इससे पूरी y मेरी हो गई, पर y की बुक्स में हो सकता है 5 लाख कैश हो. तो आपने पैसे दिए 50 पर आपके पास आ गए 5, तो इसलिए आपको डिस्क्लोजर देके बताना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टिंग का नेट कैश आउटफ्लो 45 लाख ही हुआ, क्योंकि 50 देके 5 वापस आ गया. तो यू हैव टू गिव डिस्क्लोजर इन बिजनेस कॉम्बिनेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड एंड कैश इक्विवेलेंट्स रिकवर्ड फ्रॉम द एक्वायरिंग कंपनी फॉर द ट्रांस फ्रॉम द ट्रांसफरर कंपनी एंड व्हाट वाज द नेट कैश फ्लो. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडेस ने दी है, एस ने नहीं दी. दूसरा, सब्सिडरी खरीदने में जो आपने पैसे लगाए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एक बार वो आपकी सब्सिडरी बन गई, उसके बाद आपने उसके और शेयर खरीदे या कुछ शेयर बेचे, पर इससे आपके कंट्रोल में कोई चेंज नहीं आया. इसका मतलब आप अपनी सब्सिडरी में सिर्फ अपना स्टेक बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो. अब आप कोई नए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हो. बाहर वालों का पैसा लौटा रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो. इसलिए यह कहा गया है कि इफ एनी इन्वेस्टमेंट्स आर मेड और एनी इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड इन एन एग्जिस्टिंग सब्सिडरी कंपनी दैट डज नॉट लीड्स टू चेंज इन कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल, देन सच कैश फ्लोज आर नॉट इन्वेस्टिंग बट दे विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग कैश फ्लोज. So that is one another point of difference. चलिए अपन differences पे आते हैं. There are very few differences here. चलिए हमें देखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस की डिफरेंस. पहला, ट्रीटमेंट ऑफ कैश पेमेंट इन स्पेसिफिक केसेस. इनफैक्ट द फर्स्ट थिंग विच आई वॉज एक्चुअली वॉन्टिंग टू शो यू वॉज दिस वन, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ सब्सिडरी.
इसे अब हम क्या करेंगे, वी विल क्लासिफाई दिस एज फाइनेंसिंग एंड नॉट इन्वेस्टिंग एक्ट. सेकेंड, सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर्स में जब आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे तो इन इन्वेस्टमेंट्स को आप क्या करोगे, नेट ऑफ कैश फ्लो शो करोगे. कौन से कैश फ्लोस, जो अपने को रिकवर हुए. एक और चीज ध्यान रखना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप लगाते हैं बनाते हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनके भी कैश फ्लो आपके कैश फ्लोज में ऐड होंगे. किसके, सब्सिडरी के. जहां तक जेवी एसोसिएट की बात है, जेवी एसोसिएट के कैश फ्लोज ऐड नहीं होते, लेकिन नेट प्रॉफिट जेवी और एसोसिएट के ऐड होते हैं. तो इनडायरेक्ट मेथड में फिर आपको उसके भी एडजस्टमेंट्स करना होंगे जब आप इनडायरेक्ट मेथड यानी नेट प्रॉफिट से कैश फ्लोज निकालेंगे. इनफैक्ट ये पॉइंट उसकी बात करता है. चलिए अब एक एक करके पॉइंट देखते हैं. सबसे पहला, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेबल ऑन डिमांड. अगर आपने बैंक से ओडी लिया है जो रीपेबल ऑन डिमांड यानी करंट अकाउंट में चल रहा है, तो इसे क्या फाइनेंसिंग माने या कैश इक्विवेलेंट माने, तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज नेगेटिव कैश इक्विवेलेंट. ये स्पेसिफिकली ऐसा बोलता नहीं था, इंडेस ऐसा स्पेसिफिकली बोलता है, करते ऐसा ही थे. ट्रीटमेंट ऑफ कैश पेमेंट इन स्पेसिफिक केसेस, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक केस है जो एस बोलता नहीं था कुछ, इंडेस बोलता है. अगर आप कोई असेट खरीदते हो दोस्त किराए पर देने के लिए और बाद में इसे बेचने का आपका इंटेंशन है, तो इसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई करोगे, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. भले ही आप इससे रेंटल इनकम कमा रहे हो, क्योंकि आपका मेन बिजनेस ही यही है. ये कैसा हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस ही ऐसा है कि आप ज्वेलरी खरीदते हैं रेंट पे देने के लिए, बाइक्स खरीदते हैं रेंट पे देने के लिए, और अगर कोई ग्राहक आता है खरीदने के लिए तो बेच भी देते हैं, तो फिर इस केस में आप हो सकता है इससे रेंटल इनकम कमाओ, तो इसका नेचर एक लॉन्ग टर्म असेट जैसा हो जाए, फिक्स असेट पीपी जैसा. बट नेवरदलेस कैश फ्लो में आपको इसे किस में दिखाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि यही आपका कोर बिजनेस है. एक ऐसे ही डिफरेंस दिया है कि थोड़े और एग्जाम्पल दे दिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, डजेंट मैटर्स. अभी जो मैंने आपको बताया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट्स, एसोसिएट के प्रॉफिट ऐड होते हैं, जेवी के प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, उसके एडजस्टमेंट्स करना होंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट देखा था उससे रिलेटेड ही था. एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया कैश फ्लो में. डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, दिस इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जहां पे आपने पैसे देकर कंपनी खरीदी और उसके कैश फ्लोज भी आपके पास आ गए. And different terminology is used with respect to cash flows of foreign subsidiary. Not a major difference as such. जैसे कि आपने पढ़ा होगा AS में हम लोग foreign subsidiary को convert करते थे foreign cash flows को Indian currency में. यहाँ पर वो fundamentals की बजाय हम क्या बोलते हैं, functional currency, presentation currency में conversions की बात करते. तो यहाँ आप देखोगे तो there are three currencies which are used, foreign currency, functional currency और presentation currency. ये उसके presentation के बारे में बातचीत की गई. तो नॉमेनक्लेचर के डिफरेंसेस है, मेजर तीन चार डिफरेंसेस है जो हमारे इससे रिलेटेड थे. ये हमारा इंडेस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिस्कशन भी कंप्लीट होता है. चलिए आगे की कड़ी हमारी जारी रहेगी, आगे के जो हमारे कंपैरिजंस है दैट इज समथिंग व्हिच वी विल टेक अप इन अ सेपरेट लेक्चर. आई एम कीपिंग द लेक्चर साइज स्मॉल सो दैट इफ यू आर डाउनलोडिंग इन पार्ट्स, तो आपके पास छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे तो आपको डाउनलोड करने में एक लिंक में आसान रहेगा. बाकी अगर ऑफिस जा रहे हो और वहां का ब्रॉडबैंड चालू है तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक साथ सारे डाउनलोड कर लेना. जल्द मिलेंगे, थैंक यू.